गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है गाइस, तो एक पहले तो मैं आपका 5 to 10 मिनट्स लूंगा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपके जितने क्वेश्चंस होंगे विल ट्राई टू फिक्स योर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, तो गाइस जो अपना एक गुरुकुल है, ठीक है, जिसका नाम मैंने गुरुकुल दिया है, आप हमें जानते हैं यूनिक सिविल प्लेटफॉर्म के नाम से, हमने बैच का नाम गुरुकुल दिया है। उस बैच या गुरुकुल का जो एम था, उस एम को आपको 10 मिनट के अंदर समझाने का प्रयास करता हूँ। एम ये है गाइस कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो कि क्या नाम है, आपको सबसे ज़्यादा हेल्प कर सके फॉर द प्लेसमेंट। ठीक है, तो प्लेसमेंट के लिए जब हेल्प कर सके गाइस, इस माइंडसेट से जब हम लोगों ने वर्क को स्टार्ट किया, तो देखा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी गाइस। जैसे कि हम लोगों ने एक वीडियो कोर्स आप लोगों को शेयर किया था, या फिर और भी कई ढेर सारे यूट्यूब के माध्यम से वीडियोज़ बनाए, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती थी गाइस, लोग पेशेंस बना के प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उनका बेहतर से बेहतर कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हो पाता था। तो मैंने सोचा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और एक बहुत अच्छे मेरे एक स्टूडेंट है, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, शुभम। ठीक है, शुभम मेरे साथ गैस, थोड़ी सी स्टोरी है, ज़्यादा आपको बोर नहीं करूंगा, बस शॉर्ट में ही क्लियर करूंगा। तो शुभम मेरे साथ कनेक्टेड थे लॉकडाउन में, और कनेक्टेड थे तो वो बहुत परेशान थे। ही वॉज अ साइट इंजीनियर, और इतना ज़्यादा परेशान थे कि हार्डली उनकी सैलरी, अगर मैं बताऊं तो बड़ा ही आपको अजीब लगेगा, 6 or 7 thousand की सैलरी थी इन द वेरी आउटर एरिया ऑफ द उत्तर प्रदेश। ठीक है, बहुत ज़्यादा आउटर एरिया जहाँ पर वो जॉब कर रहे थे, एंड ही वॉज वेरी गुड स्कॉलर। ठीक है, तो मैंने गाइस जस्ट उनको एक बार गाइड किया था कि क्या बोलते हैं, गाइड इन द सेंस कि रेगुलर हमारे टच में थे, अपना एक वीडियो कोर्स है ऑल इन वन नाम से, शायद आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे, तो उसके थ्रू वो पढ़ रहे थे। तो मैं उनको कंप्लीट गाइड कर रहा था, क्योंकि लॉकडाउन में मैं भी अवेलेबल था, तो मैं उनको गाइड करता जाता था कि आप इसके बाद ये करो, इस कंपनी में अप्लाई करो, ये टॉपिक्स पढ़ो। और वो लड़का जो था इतना अच्छा था कि जैसे से हम उसको बोलते आते, वो वैसे वैसे करता चला गया। ठीक है, और उसका रिजल्ट निकला गया कि विद इन 2 or 3 months उसका एक छोटी सी कंपनी में सिलेक्शन हुआ, जिसमें उसकी सैलरी थी 13,000। और मेरे से पूछा सर करना चाहिए, मैंने बोला बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि तुम ऑफिस जॉब में शिफ्ट हो चुके हो उस हैक्टिक शेड्यूल के बाद। और उसने किया, उसके बाद उसकी इतनी तेजी से ग्रोथ हुई गाइस, उतनी तेजी से ग्रोथ मैंने किसी का देखा नहीं। उसके ग्रोथ में मैंने देखा कि इमिडिएटली जैसे मैं उसको टॉपिक बताता गया, वो पढ़ता गया पढ़ता गया, बाई कॉल ऐसा कुछ हमने गुरुकुल प्लेटफॉर्म नहीं स्टार्ट किया था। और उसके बाद गाइस उसके हार्डली 3 या 4 महीने के बाद ही उसको एक बहुत अच्छी कंपनी से ऑफर हुआ, जहाँ पर उसका अप्रॉक्स 22 या 25 thousand की सैलरी लगी। और फिर वो कंटिन्यू अपग्रेड करता रह गया, ईट ऐप सेफ जो उसके डाउट्स रहते गए क्लियर करता गया, और लास्ट में गाइस उसका जो कैरियर इस समय पर जो उसका पैकेज है वो 12 लाख का है, 12 लाख का पैकेज है, और ये 2.5 ईयर्स के अंदर की पूरी स्टोरी है। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि गाइस अगर किसी को प्रॉपर एक गाइडेंस दे दिया जाए कि इसके बाद ये पढ़ना और ऐसे पढ़ना है, यहाँ पर आप ये गलत कर रहे हो, तो बहुत अच्छा वो कैरियर बना सकता है। स्वाभाविक सी बात है कि हमने एक रास्ता देखा हुआ है, हमने वही रास्ता उसको दिखा दिया और वो पहुंच गया हो। तो इसमें बहुत बड़ा रोल मेरा नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस का था कि मुझे पता था कि एमएनसीज को ये चीजें चाहिए होती हैं, वही वही चीजें पढ़ता गया, और गाइस रिजल्ट के रूप में क्या आया, उसका एक बहुत बेहतरीन करियर, 12.5 सिविल इंजीनियरिंग के अंदर के वो बहुत बड़ा पैकेज था। अभी पीछे हमने शेयर भी किया था जब उसका एक जॉब लगा था, अगर आप लोग यूट्यूब की कम्युनिटी टैब पर देखेंगे तो 10.10 का ऑफिशियल ऑफर लेटर भी मैंने डाला हुआ था, और अभी उसका फिर से एक जगह पर लग गया है दूसरे जगह पे। ना कुल मिला के स्टोरी बस इतनी सी करनी थी गाइस कि अगर कोई गाइडेंस के साथ जाता है तो उसका करियर हमेशा बड़ा बनता है। मैंने गुरुकुल की जो स्टार्टिंग किया उसी बच्चे के इंस्पिरेशन से किया कि हमें गाइड करना है, बताना है क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे प्रैक्टिस करें, उससे बहुत ढेर सारा रिजल्ट निकलता है। जैसे अभिषेक प्रियदर्शी मैसेज कर रहे हैं गुड इवनिंग, अभिषेक प्रियदर्शी भी उसी गुरुकुल के स्टूडेंट है, ऐसे काफ़ी बच्चे ऑलरेडी यहाँ पर हैं और बहुत अच्छे सक्सेस भी हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी गाइस उस गाइडेंस को माना और 80% से ज़्यादा अपना डेडिकेशन, मैं 100% नहीं बोलता हूँ क्योंकि 100% सबके लिए संभव नहीं है, 80% से ज़्यादा जिसने डेडिकेशन दिखाया वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बेहतर कंपनी में प्लेस्ड है। ठीक है, तो BIM एक ऐसा आप सबके सबके पास ऑप्शन हो चुका है आज के टाइम पे, कि अगर आपको ऑफिशियल जॉब चाहिए तो BIM के अंदर एंट्री चाहिए। अब मैं चाहूंगा कोई और लिंक अगर शेयर करा तो प्लीज मत करो, क्योंकि बीच में टिप 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 करके आवाज आ रही है तो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो गाइस BIM एक ऐसा बेहतर ऑप्शन रहा कि सबको ऑफिशियल जॉब मिल जा रही बेहतर से बेहतर जगहों पे,
अभी आज के टाइम में यूनियन के जितने बच्चे हैं लगभग हर कोई बीआईएम में कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, हमें पता है कि कौन सी कंपनी क्या पूछती है, कैसे पूछती है, टूल टेस्ट में क्या पूछा जाता है, एमसीक्यू टेस्ट में क्या पूछा जाता है। अब थोड़ा सा गुरुकुल के बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। गुरुकुल एक गाइडेंस की क्लास है, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा कोई क्लास है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ये गाइडेंस की क्लास है जिसमें मैं सिर्फ आपको गाइड करता हूँ, ऐसे पढ़ना है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूँ, आपको प्रोजेक्ट्स देता हूँ, मेरे खुद के प्रोजेक्ट्स देता हूँ, आप करते हो और मैं चेक करके उसमें जो करेक्शन रहता है इमीडिएट उसको सॉल्व करता हूँ। उसके बाद क्योंकि गाइडेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैसे इंटरव्यू को फेस करें, तो हर मंडे को आपका मॉक इंटरव्यू होता है जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बच्चों के फीडबैक ये कहते हैं, तो उसमें आपको वीडियो ऑन करके सामने से मॉक अटेंड करना पड़ता है जिससे आपकी हेजिटेशन खत्म हो जाए। हर 15 से 20 दिन पर आपका कैट टेस्ट होता है एज पर द सिलेबस, आपको एक टाइमलाइन दिया जाएगा, उस टाइमलाइन में आपको टेस्ट को कंप्लीट करना रहता है। तो गुरुकुल की दूसरी खूबसूरती ये है। तीसरी इसकी सबसे बेटर चीज क्या है गाइस, कि इसमें आपको आपको समय समय पर टेस्ट दिया जाता है जो कि टेस्ट आप सॉल्व करते हो, ठीक है, क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको सॉल्व करते हो, प्लस कंप्लीट प्रोजेक्ट करके प्रेजेंट करते हो क्लास के अंदर, उससे आपकी हेजिटेशन पूरी खत्म हो जाती है। तो गुरुकुल इज ऑल अबाउट, मैंने एक गूगल मैप बना दिया आपके लिए गाइस, ये क्योंकि उस डेस्टिनेशन को मैं चल चुका हूँ, तो उस डेस्टिनेशन को आना कैसे है, मीन्स क्लियर कैसे करना है, टेक्निकल इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, एचआर इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, टेस्ट जो उनके एमसीक्यू टेस्ट हैं या फिर कैट टेस्ट, वो सारा कुछ का एक पाथ बना दिया है जो मैं आपको 4 महीने के अंदर ट्रेनिंग करने का प्रयास करता हूँ। जो लोग भी डेडिकेशन से करते हैं, मेरी गारंटी है कि अगर 80% से ज़्यादा उन्होंने अपनी अटेंडेंस को मेंटेन कर लिया तो वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत अच्छे जगह सफल ही हो जाएंगे, ठीक है। ये कौन कह रहा है, मैं अपनी क्रेडिट नहीं लूंगा, ये आपकी कंसिस्टेंसी क्रेडिट दिलाती है। तो मैं अपने गूगल बैच के अंदर गाइस एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल ये लेता हूँ कि क्रिकेट मुझे भी आता है, क्रिकेट विराट कोहली को भी आता है, उसे कंपेयर करने के लिए हमारा उनका कोई लेवल नहीं है, हम बहुत नीचे वो बहुत ऊपर, ठीक है। विराट कोहली क्रिकेट में कितने बड़े खिलाड़ी हैं और मैं कितना छोटा सा खिलाड़ी हूँ कि मुझे सिक्स भी मारने के लिए कम से कम 6-7 बॉल खेलनी पड़ेगी, पता नहीं फिर मार पाऊँ या नहीं, स्टेडियम में तो छोड़ो गली क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। हमें और उनमें अंतर क्या है गाइस, या फिर आप भी क्रिकेट खेलते होंगे और सचिन सर भी खेलते होंगे, तो आप में और सचिन में अंतर क्या है, मैं चाहता हूँ आप कमेंट करके बताएं इस आंसर को, आप आंसर करके बताइए कि सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट में और आपके क्रिकेट में अंतर क्या है। वो इतना बेहतर खिलाड़ी, और आपको भी क्रिकेट तो आता है, बैट पकड़ना आपको भी आता है, नो बॉल यस बॉल आपको भी आता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, आप बस रीजन बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि हमें और उनमें इतना डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। आई एम टॉकिंग नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली सचिन, एनी क्रिकेट प्लेयर जो इस समय कर रहे हैं, ठीक है, और ठीक है, सभी लोग आंसर्स बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस एक्सेल सेट, ठीक है, ठीक है, सभी लोग अपने आंसर्स देने का प्रयास कर रहे हैं, वेरी गुड, अभिषेक आंसर काफी अच्छा है, ठीक है। तो गाइस क्या बोलते हैं, ठीक है, इन्होंने बोला इंटरेस्ट, ठीक है जी, काफी लोगों ने हैंड रेस्ट किया, बस थोड़ा सा रुक जाओ गाइस, अच्छा लगेगा आपके आंसर्स को देख के, ठीक है, ठीक है। तो उस टेक्निकल क्वालिटीज और हायर प्रायोरिटीज, ठीक है, सबसे बड़ी चीज जो है गाइस, जो इन सब जो आप लोग आंसर बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो, सबसे बड़ा जो आंसर है वो आंसर है क्या, आप लोग भी उस चीज को मानेंगे, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। वो डेली प्रैक्टिस करते हैं और हम डेली प्रैक्टिस नहीं करते, कुछ अलग नहीं है दोस्त, वही खाना महेंद्र सिंह धोनी ने भी खाया था, वही खाना हम लोगों ने भी खा रहे हैं, कोई अलग खाना थोड़ी खा रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी जो रीजन है वो है कंसिस्टेंसी, हम रोज प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, यही एक एक वर्ड में आंसर है। जब कंसिस्टेंसी किसी चीज में बनी रहती है गाइस, धीरे धीरे स्किल्स बढ़ने लगता है, धीरे धीरे नॉलेज बढ़ने लगता है, धीरे धीरे अलग अलग चीजें ऑटोमेटिक होने लगती हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक। जब आप किसी काम को करते रहे तो उसको काम करते करते देखते होंगे आप लोग होटल वगैरह में जो लोग रोटी वगैरह बनाते हैं कितना फास्ट बनाते हैं, वही रोटी हम लोग बनाएंगे 1 घंटा में, वही रोटी वो बनाएंगे मुश्किल से 10 मिनट के अंदर, रीजन कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। तो गुरुकुल इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी गाइस,
उसी सक्सेस को दिलाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर एवरी डे आपको वर्क दिया जाता है, एवरी डे यू नीड टू डू, और वही जो वर्क है वही आपको बना देता है। जैसे कि कल मॉक इंटरव्यू है, तो आज बच्चों को क्वेश्चंस मिल चुके हैं, व्हाट दे नीड टू प्रिपेयर, अब वो कल उनको परफॉर्म करना है। तो क्या हो गया, बस प्रैक्टिस, कल प्रोजेक्ट मिलेगा, परसों उनको शो करना है। तो इस तरीके से गुरुकुल आपको क्या बोलते हैं, बनाने का प्रयास करता है। ये बोल रहे हैं सर जिनका जल्दी से ग्रोथ, क्या बोलते हैं, काफी लोग क्वेश्चन आ गया है, मैं अभी ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, ग्रोथ जल्दी से हो बताएं, वो आपके क्लास ऑफलाइन क्या ऑनलाइन, हम ऑफलाइन करते ही नहीं दोस्त, क्योंकि अपने पास सभी लोग देख रहे हैं आप कहाँ कहाँ से हैं, तो ऑफलाइन तो पॉसिबल ही नहीं है, और इसलिए ओनली एंड ओनली ऑनलाइन। कुछ लोग शायद नए होंगे, तो मैं वो लोग शायद हमारे बारे में नहीं जानते होंगे। मेरा नाम है आकाश पांडे गाइस, मैं आई हैव लाइक मोर देन 8 ईयर एक्सपीरियंस, जिसमें से मोर देन 3 ईयर एक्सपीरियंस जो गुरुकुल की क्लासेस में, जिसमें मेरे द्वारा पढ़ाए गए काफ़ी बच्चे कई ढेर सारे एमएनसीज में प्लेस्ड हैं। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब मैं आपके क्वेश्चन लूँगा विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके सिलेबस देख लीजिए, गुरुकुल में कैसे पढ़ाया जाता है उसका आपको आइडिया लग जाएगा, प्लस हमारे टीम का आपको नंबर मिल जाएगा हेल्प करने के लिए। चलो सचिन से स्टार्ट करते हैं, सबके पास आएंगे गाइस, बस थोड़ा सा समय दीजिएगा। न्यू बैच अपनी स्ट्रक्चर की 10 जुलाई से और बीआईएम की 10 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। सचिन अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, आपने हैंड रेस किया हुआ है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। कोई बोल रहा है कि सर जॉब गारंटी, कोई गारंटी नहीं है गाइस, ठीक, नॉलेज की गारंटी है। जॉब की गारंटी मतलब बहुत गलत चीज है वो, ठीक है, जो इंसान परिपक्व रहेगा उसको कोई भी जॉब पर रख लेगा, ठीक है। ठीक है गाइस, एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। कोई है जो इन्होंने थोड़ा सा गलत तरीके से बैच को ज्वाइन कर लिया है कॉन्फ्रेंस मोड में, ठीक है, ओके। नितिन यादव, नितिन यादव अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज एक बार लेफ्ट कर दीजिएगा मीटिंग, फिर से ज्वाइन कर लीजिए। नितिन एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए आप प्लीज। चलो गाइस एक एक करके हम क्वेश्चन ले रहे हैं, रसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक करके जस्ट आप समय दीजिएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। रसिक आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपने कुछ किया है? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर फर्स्टली आपका कोर्स कंटेंट मैंने देखा है, इट्स वेरी 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 गुड। मैंने मैंने गो थ्रू भी किया हुआ है, इट्स वेरी गुड। आई हैव सीन फ्रॉम मल्टीपल जो भी आसपास में पढ़ाते हैं। हाँ थैंक यू, यस किसी सर। का नाम नहीं लेना है इसलिए मैं नहीं आपको नहीं नहीं बोल नहीं नहीं जो भी आसपास में पढ़ाते हैं उनसे तो बेटर आपका मैंने देख लिया है। और आप सबसे यू हैव दैट ग्रुप जहाँ पे आप प्लेसमेंट का भी कंटिन्यूअसली भेज देते हैं। आई एम ज्वाइन इट देयर ऑल्सो, आई हैव ज्वाइन देयर ऑल्सो सर। बट वन थिंग इज देयर, जो भी मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने ये कोर्स कम्प्लीट कर लिया, लेकिन मोस्टली जो भी बिम में जॉब्स मिलती है वो तो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस मिलती है। हर कोई 2 to 3 years एक्सपीरियंस मिनिमम मतलब बोलता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स फॉर एग्जाम्पल हम 100% अपना दे दिए, हमने कंटिन्यूअसली असेसमेंट किए, जो भी आपने टास्क दे दिए हमने दे दिए सर। बट इनिशियली ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा ना एज ए फ्रेशर टू गेट ए जॉब आफ्टर दिस। अच्छा क्वेश्चन है आपका, थैंक यू। जी सर, तो देखो इसमें क्या होता है रसिक, कि पहली बात तो ये जान लो कि गुरुकुल आपको फ्रेशर रहने नहीं देता। हम आपको 6 मंथ का, अगर ऑन पेपर बात करें तो 6 मंथ का आपको इंटर्नशिप लेटर देते हैं, प्लस इतना स्ट्रांग पोर्टफोलियो बनवाते हैं कि आपका पोर्टफोलियो आप बिलीव करेंगे। अभी कल एक कंपनी हमें कॉल की, ठीक है, जनरली कंपनी के थ्रू आप लोग देखते हैं जो प्लेसमेंट आप ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि आपके बच्चों के अंदर वो लेवल की काबिलियत है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस के बराबर वो काबिलियत है, ठीक है। तो उन्होंने हमें कंसीडर किया, और हम यही प्रयास करते हैं गाइस कि जो अपने बच्चे हैं गाइस, अगर आप जान लो तो सबके सब बी में फ्रेशर ही हैं, कोई भी इसमें एक्सपीरियंस होता ही नहीं अपने क्लास के अंदर। एक्सपीरियंस होगा तो मेरे पास क्यों आएगा, है ना। तो जॉब कैसे लग रही है, तो क्या होता है कि कंपनी की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, वी नीड टू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट। अगर वो रिक्वायरमेंट आप पूरी कर पा रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो का एक अच्छा बेस बना पा रहे हैं, 100% दे आर गोइंग टू कंसिडर यू। स्वाभाविक सी बात है, इफ एनीवन इज एक्सपीरियंस होल्डर दे डिमांड अ बिग सैलरी। आपको क्या, आपको 3.5 4.2 पैकेज मिल गया, यू विल बी वेरी हैप्पी एज अ फ्रेशर, राइट रशिक? तो यस सर, यस ठीक है, सर, लेकिन एक एक्सपीरियंस जो होल्डर होता है उसकी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है, दे नीड 5 6 7 और मोर देन दैट समटाइम्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कंपनीज वांट कि हमारे काम को कौन फुलफिल कर सकता है। तो जैसे होता है कि अगर आपने सुना हो पहले ड्राफ्टमैन की एक प्रोफाइल होती है, तो यस ड्राफ्टमैन की सर, प्रोफाइल पर जनरली फ्रेशर रखते हैं, तो पता होगा
तो बीम के अंदर भी एक प्रोफाइल होती है जिसका नाम है बीम मॉड्यूलर, दैट इज द फ्रेशर लेवल प्रोफाइल। तो फ्रेशर लेवल प्रोफाइल के लिए डिप्लोमा एंड डिग्री इज द सफिशियंट, और आपके पास बेहतर एक स्किल होना चाहिए, वो सॉफ्टवेयर है नेविट्स वर्क, रेविट और टिकला। इन तीनों का अगर अच्छा स्किल्स है तो आप डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कंसीडर यू, क्योंकि आप कम सैलरी में ओके हो काम को करने के लिए। सेकेंड थिंग, आपका काम ऐसा दिखना चाहिए कि वो कंसीडर कर सके, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रांग पोर्टफोलियो, मैं चाहूंगा कि क्या बोलते हैं हमारे ये ग्रुप के अंदर कुछ पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ अपने गुरुकुल के बच्चों का। अब उनके काम को देख के आप बताना कि एक्सपीरियंस होल्डर लगते हैं या फिर फ्रेशर लगते हैं। ठीक है, जी सबके सब सर, एक्सपीरियंस लगेंगे। तो एक्सपीरियंस इज ऑल अबाउट नॉट ईयर और पेपर्स, इट्स अबाउट स्किल्स। अगर स्किल्स है तो दे आर गोइंग टू कंसीडर यू 100%। ठीक वन है, मोर थिंग सर, वी हैव हर्ड अबाउट दैट बिम इज अ 360 डिग्री कोलैबोरेशन। ओके सर, फॉर एग्जांपल अगर हमें फॉरेन के लिए अप्लाई करना होगा किसी कंपनी, बट आई वांट टू वर्क फ्रॉम हियर, इन फ्रॉम इंडिया टू टूवर्ड्स फॉरेन, सर क्या रिमोटली जॉब्स अवेलेबल है इस फील्ड में? यस अवेलेबल है लेकिन कम है, मीन्स अगर परसेंटेज की बात करोगे 20 एंड 80। ठीक है, उसके जगह पर ओके यहाँ पर इंडिया में 80% ऐसी कंपनियां हैं जो बाहर के प्रोजेक्ट्स को आउटसोर्स कर रही हैं। ठीक है, तो बेटर है कि आप इंडिया में बैठ के वहाँ की जॉब्स को करें। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कंपनी बताऊँ, जैसे रैमबॉल है, ठीक, कोवी है, एटकिंस है, ए कॉम्स है, ठीक है, ये सारे कंपनियां बाहर के प्रोजेक्ट, और इवन मोर देन दैट, ठीक है, पिनेकल है, ठीक है, ऐसी सारी कंपनियां जो है ये बाहर के प्रोजेक्ट उठा रही है। नीलसॉफ्ट है, कैसेक है, ठीक है, बीम इंजीनियर्स है, और आपका क्या नाम है, ऐसे कई ढेर सारी कंपनीज हैं जो कि बाहर के ही प्रोजेक्ट लेके इंडिया में कर रही हैं। दैट्स व्हाई दे ऑफर यू द गुड सैलरी, वी कंस्ट्रक्ट है। ठीक ओके है, सर, मींस ओके, मींस इन कंपनीज में भी रिमोटली पॉसिबल है 100%। ठीक है, बट जी सर। एटलीस्ट फ्रेशर के तौर पे 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस कंसीडर होता है हाँ तो हाँ बेटर होता है। ओके ठीक सर, है, थैंक यू ओके, सर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 years इन दिस, आफ्टर गेटिंग 2 years ऑफ एक्सपीरियंस सर, एक्सपीरियंस से कितनी सैलरी में इंक्रीमेंट होगी? मोर देन 5 लाख, 100%। ओके थैंक यू सर, ठीक थैंक है, यू सर। 100%। इवन इज द डाटा, इफ यू वांट कैन जस्ट गो एंड चेक ऑन द ambition.com, एवरेज BIM सैलरी राइट नाउ यू कैन जस्ट चेक आउट। ठीक है, सर आई 100% डू मैं वॉच दिखा योर रहा हूँ। वीडियोज कंटिन्यूस, विच एवर यू पोस्ट एग्जैक्टली, देयर आई डू वॉच ऑल, आई हैव ओके, प्लेस्ड लेट्स, दैट इन पिन इन, दैट्स व्हाई सर ओके, आई, यस नो सर, इशू, थैंक आई विल जस्ट टेक अनदर यू। क्वेश्चन फ्रॉम अदर वन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मिस्टर सैयद, मुजामिल सैयद। हाँ जी सैयद जी, बोलिए मुजामिल सैयद, अगर हैंड रेज किया गया तो रेडी रहना, क्योंकि जिससे कि आपका क्वेश्चन जल्दी जल्दी से हो जाए सबका ही अच्छा रहे। अक्षय राठौर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। यस अक्षय, बोलिए। अक्षय राठौर, यू वांट टू आस्क समथिंग? ठीक है, मे बी इन्होंने क्वेश्चन से पूछा बट नॉट अवेलेबल। ठीक है, समीर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके, राठौर मैसेज करना चाहिए। ठीक है, यस सर, यस सर, बोलिए। सर मैं अभी ना डिप्लोमा पास आउट हुआ हूँ, करेक्ट, तो मैं सोच रहा हूँ कि बीटेक के साथ साथ मैं एक सॉफ्टवेयर कर लूँ कोई। ये सॉफ्टवेयर वाली लाइन गलत है, सॉरी टू से समीर, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन नहीं है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। सॉफ्टवेयर के साथ कॉन्सेप्ट जरूरी है। सॉफ्टवेयर तो क्या है कि आप सॉफ्टवेयर करोगे क्यों? क्या ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है? क्या रेविट के सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल मेरे खुद के अवेलेबल हैं? तो राइट, गाइडलाइन करो आप थोड़ा। एग्जैक्टली। तो सॉफ्टवेयर इज नॉट द सोल्यूशन। अगर आपको जॉब करना है किसी इंडस्ट्री में तो उस इंडस्ट्री के बिहाफ पर चीज़ों को सीखना पड़ेगा। जैसे आपको स्ट्रक्चर करना है, अब स्ट्रक्चर में जॉब लेने के लिए आप कहीं पर गए और आपने सपोज मेरे ही यूट्यूब चैनल पर चले गए, स्टैटबुक सारे ट्यूटोरियल मैंने डाल रखे हैं, ठीक है, आपने देख लिया, उससे कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा। नो, तब क्या इसके लिए सोल्यूशन क्या है? अगर स्ट्रक्चर में आपको फ्यूचर में जॉब लेनी है तो आप अगर डिग्री कर रहे हैं तो आपको क्या उसके साथ पढ़ना पड़ेगा? स्टैट प्रो पढ़ रहे हैं, उसमें क्या एनालिसिस कर रहे हैं? विंड कर रहे हैं, सेस्मिक कर रहे हैं, शियर वॉल कर रहे हैं, शियर वॉल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं इसके, सेस्मिक कर रहे थे सेस्मिक के कितने सेस्मिक जोन हैं, कैसे मैनुअली कैलकुलेट करते हैं, समझ रहे हैं? सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट हाँ चाहिए उसके साथ। IS कोड के कौन से क्लॉज में क्या दिया हुआ है इसके लिए? JI/2 और NTSA/G कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, कौन से क्लॉज में दिया हुआ है, उसका कॉन्सेप्ट है क्या? तो आपको कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है, न कि सॉफ्टवेयर। हम जब सॉफ्टवेयर का नाम लेते हैं तो क्या होता है, किसी भी XYZ प्लेस पर हम जाते हैं, कोई एक पर्सन होता है जो बताता है इस टूल का ये काम है, इस टूल का ये काम है, इस टूल का ये काम है। कोई नई चीज़ नहीं है गाइस,
अब आप 2024 में हो, मेरा सजेशन है कि आप टूल्स जानने की समय चला गया है, बहुत तेज इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट करो, टूल्स आप 8-10 वीडियो देख लो यूट्यूब पर, ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा, मेरे खुद के देख लो आप, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। आप ये बोलो कि सर मुझे स्ट्रक्चर्स में जाना है, मुझे BIM में जाना है, मुझे PV में जाना है, मुझे बिलिंग में जाना है, एक प्रोफाइल के लिए अभी से 2 वर्ष चले जाओ, नहीं पता इनके बारे में तो थोड़ा गूगल कर लो, किस प्रोफाइल पे क्या होता है, क्या एवरेज सैलरी है, कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं। मैं तो अभी आजकल बहुत डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपने देखा हो तो, समझे स्ट्रक्चर का भी समझे बना दिया, BIM का भी बना दिया, PV का भी बना दिया, अभी मैं प्रीकास्ट का भी बहुत जल्दी बनाऊंगा, फिर बिलिंग का भी बनाऊंगा, तो आपको कुल मिला के मेरा अवेयरनेस का ही मेरा काम है, तो मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कौन कौन सी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री वाइज तैयारी करो सर, ठीक है, किस सॉफ्टवेयर लाइन में जाऊं फिर भी आप थोड़ा गाइड ये कर आप दीजिए। खुद से पूछो, मैं राइट पर्सन नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि क्या होता है आपका इंटरेस्ट आपको पता है शबीर, तो आप ये देखिए कि आपका सोम का नॉलेज कैसा है, आपका RCC का नॉलेज कैसा है, आपका मैकेनिक्स का नॉलेज कैसा है, अगर ये डाउन है तो आपको स्ट्रक्चर में कैरियर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर इज अबाउट दिस, ठीक है, लॉन्ग टर्म में बना सकते हैं, अभी के लिए आप मत जाइए। आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला सब्जेक्ट था, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल का सब्जेक्ट है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है, ये अच्छा है, डेफिनेटली आपके लिए BEAM अच्छा है, ठीक है, और अगर आपके मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट मैंने आपको गिनाए, मैकेनिक, सोम, RCC, ठीक है, इन सब अच्छे हैं, तो स्ट्रक्चर में जाइए, बेस्ट करिए। ठीक है सर, थैंक और स्टील स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट आ रहा है आपको, हमारे मैं वैसे आपको बताऊं तो मैं एक्स स्टूडेंट रहा हूँ SK दुग्गल सर का, कौन कौन उनकी बुक पढ़ा है कमेंट करके बताना, तो आपको अगर स्टील स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट है तो आप PEB में चले जाओ, ठीक है, SK दुग्गल सर की बुक कौन कौन पढ़ा है कमेंट करना गाइस, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि आप इसे काफ़ी लोग पढ़े होंगे, ठीक है, चलिए ग्रेट। एंड सर से मैंने ट्रेनिंग ली हुई है स्टील स्ट्रक्चर की, वैसे शकील बहुत ग्रेट है, हम लोग बहुत छोटे छोटे आदमी उनके आगे, ठीक है सर। शकील, गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी। सर। सर मेरा बीटेक 2018 में ख़त्म हुआ है सर। हाँ उसके बाद मैंने UPSC सिविल सर्विस की तैयारी की थी सर। हाँ सर रिसेंटली मैं 3 ईयर से एज ए क्वांटिटी सर्वेयर जॉब कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ सर प्रेजेंट अभी मैं बीम इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ सर एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर सर। सर उसके लिए मेरे को सॉफ्टवेयर के साथ पूरे बेसिक बीम कॉलम स्लैब कॉन्सेप्ट वाइज डिजाइनिंग मैनुअल कैलकुलेशन चाहिए सर उसको। उसके साथ साथ मैं स्टैट प्रो और ईटैब भी सीखूंगा सर। हाँ क्योंकि इंटरव्यू में मैं रिसेंटली जब इंटरव्यू दिया हो ना सर स्ट्रक्चर्स के बेस पे मेरे को बस वो एक बीम देकर उसको डिजाइन करने के लिए बोला है सर, मतलब मैनुअल कैलकुलेशन, तो मैं वहाँ मेरे को बहुत दिक्कत हो गई सर। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा शकील, यस अभी मैं सर, यही बात कर रहा था ना कि यस सर, आप यस जाके कोई सर, दुकान किसी जगह पे गए, ये सीख यस लिया, सर, उसका मतलब क्या निकला, असल यस में सर, फ्रेशर बच्चे परेशान हो जाते हैं, तुम्हारा तो एक्सपीरियंस है, तुमको पता है, यस सर, ठीक है, तो गाइस यही मैं जो स्ट्रक्चर गुरुकुल की तैयारी होती है गाइस शकील, उसमें यही होता है, ठीक है, आपके बीम की कॉलम की फुटिंग की स्लैब की सबकी रेनफोर्समेंट डिटेलिंग्स, उसके SP34 के अकॉर्डिंग नॉर्म्स क्या हैं, ठीक है, उनके यस सर, कॉन्सेप्ट क्या हैं, ये समझना इम्पोर्टेंट है, और मैं यही सबको रिक्वेस्ट करूंगा ये समझो जो शकील ने बोला है, तो शकील इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर गुरुकुल जो चलाते हैं ना दोस्त, उसका यही टारगेट है, ठीक है, उसके लिए हम 1.5 घंटा लाइव जो करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट आप बोल रहे हैं उसमें डिस्कस करते हैं, और 1.5 घंटा जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें हम बताते हैं इस टूल का क्या यूज़ है, क्योंकि मेरे यस अकॉर्डिंग टूल बहुत छोटी चीज़ है, वो कैलकुलेटर है, यस ठीक सर। है। मेरा डाउट मेरा क्वेश्चन ये है सर हाँ कि मेरा ये जो क्वांटिटी सर्वेयर से स्ट्रक्चरल इंजीनियर आने के लिए जो एक्सपीरियंस है ना सर क्वांटिटी सर्वेयर का, क्या ये कंसिडर होगा क्या फिर मेरे को स्ट्रक्चरल या रिवेट में जाना बेसिक देखो से जाना बहुत पड़ेगा? ज़्यादा आपको कंसीडर तो नहीं होगा, इस देखो ओके सर, एक्सपीरियंस 2 तरीके का होता है शकील, एक होता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एक होता है वर्किंग एक्सपीरियंस, ठीक है, वर्किंग एक्सपीरियंस आपका टोटली डिफरेंट है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपका जो है वो कंसिडरेबल होता है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है, वर्क एथिक्स कैसे वर्क करना है, ठीक है, तो ये आपका कंसिडर किया जाएगा, आपको पता है मेल कैसे करना है, आपको पता है क्लाइंट से कैसे बात करना है, ये सारी चीज़ों को वर्किंग एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बोलते हैं, जो आपका कंसिडरेबल होगा, और अगर आप अभी सैलरी 25 के ऊपर ही ले रहे होंगे मेरा उम्मीद है, यस सर, 30,000 ठीक है, है 30,000 राइट, तो अभी 30,000 ले रहे हैं तो अभी लेट नहीं हुआ है शकील, ओके सर, लेट कब होगा दोस्त, जब हमारी सैलरी 50-60 हज़ार चली जाती है, अब होता है क्या है कि आप एक रास्ते पे गए तो वहाँ 50-60 हज़ार पहुँच गए, वापस आना बड़ा मुश्किल काम है ना, लेकिन अगर अभी आप चेंज कर लेंगे तो अभी आप बहुत डिफरेंस होगा, तो 5-6 हज़ार का या 2-4 हज़ार का डिफरेंस हो सकता है, समझ रहे हैं, यस सर, तो ये अभी डिफरेंस अफोर्डेबल है, बट फ्यूचर में ये अफोर्डेबल नहीं है,
आपको भी पता है क्वालिटी में एक टाइम के बाद स्ट्रक हो जाती है सैलरी। अभी हमारे खुद के जो दोस्त हैं, 8-8 साल का एक्सपीरियंस है क्वालिटी में, मैं क्वांटिटी नाम क्वांटिटी में, ठीक है, और क्या बोलते हैं, उनकी सैलरी एक जगह स्ट्रक हो गई है। अब वो सोच रहे हैं नाउ हाउ कैन, क्वांटिटी में है आपका एक्सपीरियंस, यस सर, क्वांटिटी में क्वांटिटी सर, तो आपका इंक्लूड हो जाएगा, क्वांटिटी सर्वर हूँ सर। क्वांटिटी सर्वेयर का इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, बीम में जो पार्ट होता है ना, बीम में क्वांटिटी का भी पार्ट होता है, क्वांटिटी जो नेविसवर के अंदर करते हैं 5D, ठीक है, यस सर, वहाँ पर वो कंसीडर हो जाएगा वो। लेकिन आप ये क्लियर करिए कि आपको बीम में जानना है कि स्ट्रक्चर में जाना है, दोनों ही दूसरे डिफरेंट इंडस्ट्री है। शकील, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट का काम होता है, देखिए लॉन्ग टर्म में आप दोनों में मिला के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में आप क्लियर करिए कि आपको एनालिसिस पार्ट करना है या फिर आपको मॉडलिंग पार्ट करना है। अगर मॉडलिंग पार्ट करना है एनिमेशन इंडस्ट्री में इंटरेस्ट, इन सब में BIM करिए। मुझे जो आपका इंटरेस्ट समझ में आ रहा है अभी तक बात करके, वो मैं स्ट्रक्चर रिकमेंड कर पाऊंगा, बट आई एम नॉट राइट पर्सन, आपको खुद से जजमेंट लेना पड़ेगा। सर लास्ट सवाल सर, जो जी आप क्लासिक बोलते हैं ना सर, उसमें हाई रेज बिल्डिंग्स मॉडल लेते हैं सर डिजाइनिंग के लिए यस, या? हाई रेज हम स्टार्ट करते हैं G+1 से, एकदम ओके छोटे सर, से, ठीक है, और लास्ट मुझे जाता है G+22 पे, ओके सर, ओके ठीक है। सर, तो ये डिपेंड करता है कि आप धीरे, क्योंकि एक साथ लेवल बढ़ाना कोई समझदारी नहीं है ना, लोग गिर यस जाएंगे, है ना। कल एक बच्चा मुझे ऐसे मतलब मैसेज आया उसका कि सर वो आपके क्लास का लेवल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला कितने दिन हुए क्लास के, बोला 3 दिन। हमने कहा अगर अभी हम अगर हवा में उड़ा देंगे तो यस कैसे जैक लगेगा, सर, समझ रहे हो। ठीक, तो यस वो कुछ लोग जो नहीं होते, नए होते, उनको पता नहीं रहता है। स्टार्टिंग में बेस बनाना जरूरी होता है, बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग इंजीनियर हैं, हम लोग को तो पता ही ये चीज़ है ना। यस, थैंक यू सर, चले, ओके जी शकील। बाकी शकील आप ना यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो आप लगे तो कल कॉल कर लीजिएगा। मुझे लगता है आपका डाउट पूरा भी क्लियर नहीं हुआ है, समय लगेगा इसलिए मैं अभी ले भी नहीं रहा हूँ क्वेश्चन, आप यस आराम सर, से थैंक कॉल कर लेना, ठीक है। यू सर, ओके जी, यहाँ पर अगर मेरा नंबर शेयर हो जाए तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, या फिर अपना नंबर अंकित कर दीजिए, सो दैट कि इनको क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लेंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं संदीप यादव जी का, ठीक है। ठीक है संदीप यादव जी, राधे राधे सर, मथुरा राधे से राधे बोल जी। रहे हैं हाँ जी, हाँ जी, क्या बात है, बोलिए ना सर। सर। बस इतना ही बोलना है, मैंने पास आउट 2018 में हुआ था, उसके बाद से कुछ मेडिकल इश्यूज आ गए थे, अभी मैं यहीं पे 2 साल से हो जाऊंगा। मुझे बस ये यूट्यूब स्क्रॉल करते टाइम आपका वीडियो मिला था, उसके बाद मैंने कंटिन्यू 3 घंटे आपके सारे वीडियो देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा, और बस आप पे ट्रस्ट करके और हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हूँ बस BIM के लिए सर। ग्रेट संदीप, आप अगर अपना 100% देंगे, बिलीव करिए हम 99 नहीं करेंगे, हम कोशिश थैंक करेंगे यू वन सर, जीरो वन हो, ठीक है। 101 होगा नहीं तो 100 तो पक्का होगा। तो बस मैं देखो दिन भर हम यही काम करते हैं कि आपके लिए जो बेटर हो सके, जो जो कंपनियां हो सके, जितनी कंपनियों से बात कर पाता हूँ सबसे बात करना, प्लेसमेंट के लिए हेल्प करना, पूरी डेडिकेशन लगाते हैं। और टच बोर्ड की सिलेक्शन भी हो रहे हैं अच्छे खासे, लगभग डेली एक दो सिलेक्शन हो रहे थे, हमें भी खुशी होती है कि चलो अपना रिजल्ट निकल रहा है। और देखो क्या होता है संदीप, कि आपका प्लेसमेंट ही हमारा रिजल्ट है ना। जैसे आपका जी रिजल्ट क्या है, आपका भी रिजल्ट जॉब ही है, वही है एम गोल, और वही गोल हमारा भी है कि आपका लगता है तो हम दूसरों को बता पाते हैं कि हमारे पास बच्चे, संदीप 5 लाख का पैकेज लेगा, मेरे लिए कितनी बड़ी बात हो जाएगी। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, गैप है ना उसको हम कैसे मैनेज करना है, ये जब मॉक इंटरव्यू होगा तो हम आपको गाइड अलग से कर देंगे उसके लिए, जी सर, बस आपके गाइड को ठीक है। पूरा प्रॉपर फॉलो 100% करना है। थैंक आप यू बस सर, थैंक टेंशन यू लीजिए, वगैरह हम आपको ऐसा गाइड करेंगे कि आपका जो ईयर गैप है वो कैसे इंक्लूड हो जाएगा हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है। जी सर, ओके थैंक यू सर। ओके, आयुष कुछ पूछना चाह रहे हैं। यस आयुष बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते आयुष, तुमने एक ग्रुप में मैसेज भी को डाला था, मैंने अभी देखा बट पढ़ नहीं पाया, बोलो ना। सर मेरा ये डाउट है कि जैसे कि एक मिथ बना हुआ है कि साइट पे जाना जरूरी है बीम और स्ट्रक्चर सीखने से हाँ, पहले, यही तो क्वेश्चन था। मुझे ये चीज जानना है कि मतलब मैंने भी एज कंसल्टेंट में काम किया हुआ है, तो मुझे ये जानना है कि ऐसा क्या मैंडेटरी है स्ट्रक्चर या बीम के कोर्स में जाने से पहले साइट विजिट करना या साइट पे स्टे करना या साथ दूसरा का एक्सपीरियंस लेना, क्योंकि अभी थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना ऑन द सॉफ्टवेयर थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक ट्रिकी हो सकता है एज अ फ्रेशर और एक्सपीरियंस के लिए भी। तो मुझे सही डाउट है कि क्या साइट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रिक्वायर्ड क्वेश्चन है। पूछा है जी तुमने, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक दिन मैंने एक वीडियो में इसका थोड़ा सा चर्चा किया, शायद वो वीडियो अभी पब्लिश नहीं हुआ है, मे बी आने वाले हो, तो एडिटर जब एडिट करेगा तो अपलोड करेगा। तो इसमें क्या होता है आयुष, कि जब आप साइट पर चले जाते हो, ठीक है, पहली बात तो ये जान लीजिए कि साइट पर जाने के लिए बीम इंडस्ट्री में कोई रोल नहीं है उसका। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आपको आयुष बहुत अच्छे से पता है कि फुटिंग हम किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। शायद आपने फुटिंग देखा जरूर होगा अपने लाइफ में, कॉलम भी आपको पता रहा होगा,
बीम भी आपको पता होगा, स्लैब भी आपने देखा ही होगा, ये मेरा उम्मीद है कि बेसिक कंपोनेंट तो आपने देखे ही होंगे, राइट। अब होता है क्या दोस्त कि अगर आप 1 से 2 साल किसी साइट पर चले गए तो इंटरव्यू को एक मौका मिल जाता है। क्या मौका मिलता है? वाई वन टू स्विच फ्रॉम साइट टू बीआईएम, साइट टू स्ट्रक्चर, और वहीं पर आप स्ट्रक्ट पर जाते हो, ठीक है, उसके आंसर हैं तरह ठीक है अच्छे से करने के लिए। बट बेटर भी ये रहेगा आयुष कि हम जो उधर 1 साल अपना 2 साल लगाएंगे न लगा के, जिसमें हमको जाना है उसी में 2 साल डेडिकेट करें, क्योंकि इसमें 2 साल डेडिकेट करने के बाद 5 लाख के ऊपर पैकेज फिक्स है, ठीक है। लेकिन 2 साल उधर स्पेंड करने के बाद वापस आके फिर जाना, फिर वही करियर की स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगी, तो ये आप देख लीजिए रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। दूसरी चीज़, साइट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बीम क्या होता है पहले समझ लेंगे, थोड़ा सबके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। तो गैस बीम क्या होता है, इसको बहुत आसान वर्ड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आज से 5 साल बाद मेरा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट मतलब कंप्लीट होगा और मैं उस प्रोजेक्ट को सेल करूंगा इंडस्ट्री में या फिर लोगों के बीच में, ठीक है। अब उस प्रोजेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए इसलिए मैं उस सारे बना नहीं रहा हूँ, मैं जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मेरे कोई प्रोजेक्ट नहीं बन रहे, ठीक है। तो गाइस वो जो 5 साल बाद जो रिजल्ट आने वाला है उसका उसमें कोई गलती ना हो, इसके लिए मैं पूरा डिजिटल मॉडल बना लूँ, जिस मॉडल में मैं ये बना लूँ कि मॉडल कैसा दिखेगा, मतलब उसका एलिवेशंस, उसके लैंडस्केपिंग, उसकी मटेरियल की डिटेलिंग्स, रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग्स, मतलब जो बनने वाला है 5 साल बाद उसको आज ही मैं तैयार कर लूँ, उसका एक रेंडर भी तैयार कर लूँ, उसका एक वॉक थ्रू तैयार कर लूँ, उसका पूरा प्रेजेंटेशन तैयार करके आयुष को दिखा दूँ कि आयुष जो आप 5 साल बाद खरीदने वाले हो मेरी बिल्डिंग, वो 5 करोड़ की मिलने वाली है, बट अभी अगर आप इसको करेंगे तो आपको 2 करोड़ में मिल जाएगा। तो आयुष बोलेंगे सर मैं 2 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करूंगा, पता नहीं कैसा मेरा बिल्डिंग होगा। तो मैं आयुष के सामने एक बी मॉडल रखता हूँ और बोलता हूँ आयुष देख लीजिए एग्जैक्टली आपका यही मॉडल रहेगा, यही फ्लैट रहेगा। आयुष कहते हैं ठीक है, मैं 3 करोड़ का फायदा हो रहा है, इन्वेस्ट कर लेता हूँ, समझ गए। ये होता है बीम, और इसीलिए बीम बढ़ रहा है, बहुत बढ़ने वाला है, ठीक है। सर कोई जरूरत नहीं है मेरे को, जैसे ठीक है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि सर मतलब जैसे एज अ सिविल इंजीनियर, क्योंकि सर ये भी एक सर मिथ हो सकता है कि क्योंकि बीम को एज आर्किटेक्चर में काफी काउंट किया जाता है कि आर्किटेक्चर सेक्टर है बीम को माना जाता है सर, क्योंकि इसमें सभी सॉफ्टवेयर होते हैं, रेविट भी इंक्लूड ही होता है उसमें, बेसिकली वही होता ही है उसमें। तो एज अ सिविल इंजीनियर को मतलब ऐसा बोलते हैं कि स्ट्रक्चर में प्रेफर्ड करना चाहिए, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है आयुष की सही बोल रहे हो तुम, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। करेक्शन ये है कि लोगों को डिफरेंट प्रोफाइल के बारे में अवेयरनेस नहीं है। जैसे बीम में उनको क्या पता है, बीम मॉड्यूलर, जिसमें उनको एक ही चीज पता है कि आर्किटेक्चरल मॉड्यूलर होता है, ठीक है। मॉड्यूलर में भी अलग अलग टाइप्स के मॉड्यूलर होते हैं। बीम की सारी प्रोफाइल के बारे में अगर उनको पता चल जाए, जैसे जो भी एक स्टेटमेंट दिए होंगे, तो शायद वो स्टेटमेंट प्रेजेंट ना करें। बीम की जो अगली प्रोफाइल है उसको बोलते हैं बीम स्ट्रक्चरल मॉड्यूलर। अब स्ट्रक्चरल मॉड्यूलर स्वाभाविक सी बात है, हम एज अ सिविल इंजीनियर आप ही का रोल है, ठीक है। बीम की अगली प्रोफाइल है बीम इंजीनियर, जो कि क्वांटिटी को भी निकाल रहा है, ठीक है, बीबीएस को भी फाइंड कर रहा है उसी मॉडल के अंदर। अब ये आपको अच्छे से लग रहा होगा, ये तो बीम का ही काम, मतलब सिविल का ही काम है ना। तो बिल्कुल जो बिल्कुल आर्किटेक्चर मॉड्यूलर, जो एक प्रोफाइल के बारे में लोगों का अवेयरनेस है, इसकी वजह से लोग मिसमैच हो जाते हैं, ठीक है। मैं चाहूंगा गाइस आप लोग पेशेंस बना के थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि मैं कितना भी फास्ट करूंगा समय लगेगा, है ना। तो लेफ्ट ना करिएगा, ठीक है, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी लगेगा, हाँ लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं आपके लिए। अच्छा कि आप डेप्थ में जानो उसको आयुष, यही सोल्यूशन है दोस्त। और एक प्रोफाइल के बारे में जान के हम जजमेंट नहीं कर सकते, ठीक। थैंक ओके सर, मोस्ट वेलकम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, क्या बोलते हैं चंद्रमोहन जी का। चंद्रमोहन यस यू सर, वांट टू आस्क समथिंग? यस सर, सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। एक्चुअली माय क्वेश्चन इज ऑल सब्जेक्ट ऑल सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट फैकल्टीज आर यू? यस, लाइक वी आर गोइंग टू ऑफर यू एवरीथिंग, सॉफ्टवेयर मींस मतलब रिविट आर्टिक रिविट स्टैट प्रो, हाँ वो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तुम अकेला है क्या दूसरा आदमी है वो अच्छा बोल? ओके ओके, नहीं, आई एम सफिशिएंट फॉर दैट बिकॉज़ आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 8 इयर्स इन दिस इंडस्ट्री, ठीक है। तो ओके 100% सफिशिएंट फॉर एवरी सॉफ्टवेयर, ओके, तुम अभी मेरा यस। को सीखने के लिए अकेला, तुम अकेला है क्या दोपहर सार लोग नो है? नो नो, ओनली आई एम गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग, ओके ओके ठीक है। एंड हंड्रेड आई एम 100% सफिशिएंट फॉर द ऑल द सॉफ्टवेयर, ओके ओके ठीक हाँ है। बिकॉज़ सर, आई एम एवरी मंथ दे, प्रैक्टिस यस, नो आई कैन आस्क, प्रैक्टिस कंप्लीटेड होने के बाद में तुम सर्टिफिकेट दिएगा क्या? यस यस, ठीक
ठीक है, लाइक आफ्टर, इंटर्नशिप। यस यस, आफ्टर कंप्लीशन दिस यू विल गेट द इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप लेटर्स एंड इंडिविजुअल ऑल द सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशंस, लाइक यू विल गेट ऑटोकैड सर्टिफिकेट इफ यू आर गोइंग इन बीआईएम, तो रैबिट सर्टिफिकेट, 3ds मैक्स, ऑल द सॉफ्टवेयर इंडिविजुअल सर्टिफिकेट आल्सो. प्लीज सर, एक्चुअली यू प्रोवाइड द व्हाट टीचिंग, व्हाट सर्फेस टीचिंग? लाइक यू आर गोइंग टू मेक योर करियर इन बीआईएम और स्ट्रक्चर. हाँ, बिम मतलब वो आल कोलाबरेट विथ आल सॉफ्टवेयर्स। Exactly. All the softwares which is related to beam, not related to structural consultant. हाँ ओके, आफ्टर स्ट्रक्चरल इंजीनियर अलग है, रिविट अलग है क्या? Exactly. No. There are two types of consultant. One is beam ओके consultant, one is structure consultant. ओके Some companies refer the both of them, but maximum companies work on, like, one company is related to beam, they just work on the beam industries only. ओके Okay. तो यू कैन जस्ट ओके कंफर्म कि विच वन यू वांट, एंड आई थिंक एज पर आवर कन्वर्सेशन यू आर फाइनली विद योर स्ट्रक्चर वर्क, राइट? यू आर इंटरेस्टेड फॉर द स्ट्रक्चर्स, राइट? स्टेट प्रो एंड ईटैब्स. ओके, ठीक है, यू विल गेट द सिलेबस एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क चंदोहन. ओके चलिए, ओके ओके. सर, स्कॉलरशिप टेस्ट। हाँ, स्कॉलरशिप, ठीक है. चंद्रमोहन, बस थोड़ा सा आंसर रुक ले. यू वांट टू नो अबाउट टेक्ला सॉफ्टवेयर्स? ठीक है, थोड़ा इनका नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है. तो टेक्ला इज द बीम सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स करते हैं, जिसको हम लोग 3D स्ट्रक्चरल डिटेलिंग का करते हैं गाइस, जिनको भी नहीं पता हो जान लीजिए, 3D स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स लिए करते हैं, ठीक है, चलेगा. एंड ठीक है, ओके, ठीक है, मैं क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेता हूँ, थोड़ा सा रुक जाएंगे चंद्रमोहन, तो अच्छा रहेगा. एक क्वेश्चन इनका था, एक और एक क्वेश्चन दीपक का भी था. दीपक, यस दीपक, जस्ट वेट, मैं आपका क्वेश्चन लेने का प्रयास बहुत जल्दी करता हूँ दोस्त. अगर किसी का क्वेश्चन रह जाएगा तो कम आप नंबर पे भी कॉल करके भी ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है. देखिए गाइस, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड. तो स्कॉलरशिप जो एक्चुअली हमने एक प्रोग्राम किया था, मेरा एम ये था कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे हैं जिनको एटलीस्ट बीआईएम स्ट्रक्चर्स और पीवी जैसी इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता है, तो एक टेस्ट के माध्यम से उनको हम लोग अवेयर करें. तो फॉर दैट वी जस्ट ट्राई टू ऑर्गेनाइज कि एक स्कॉलरशिप टेस्ट करते हैं, जिसमें से टॉप 10 स्टूडेंट्स को हम लोग अपने तरफ से उनको एक इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे. उनको 80% अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग कल टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन उसमें क्या हो रहा है कि टेस्ट कंप्लीट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, और आज पूरा दिन हमारा उसमें गया, बट अभी भी फिक्स नहीं कर पाए. एक्चुअली डेवलपर जो है वो आज सैटरडे संडे छुट्टी पर रहते हैं, तो प्रॉब्लम यह है, मैं कल का उनका वेट करूंगा, होप सो कि सॉल्व हो जाए. तो उसको हम लोग करेंगे, जो भी लोग उसके लिए एलिजिबल हैं, एलिजिबल हैं, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ओनली दे आर एलिजिबल फॉर दैट, तो दे कैन गेट दैट वेरी सून, वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दैट, ठीक है. तो जैसे ही सॉल्व हो जाता है हम तुरंत ऑर्गेनाइज करेंगे. हम भी आज पूरा दिन ही इसी के चक्कर पड़े रह गए, इवन मुझे भी ऐसा लगा मेरा संडे का बहुत ज़्यादा समय चला गया इसी में, ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, कुछ लोगों का सेलेक्ट हो गया था बट सबका नहीं हुआ था, हम कैसे वो कर लेना. ऋषिकेश दीपक, अपना क्वेश्चन पूछ लो दोस्त, कुछ क्वेश्चन है आपका. दीपक, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस सर। बोलिए. सर पहले तो आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ सर कि आप इतने युवाओं को मतलब एक सही डायरेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि सर मतलब इंडस्ट्री का क्या एक्चुअल इंडस्ट्री में वर्क है वो किसी को पता नहीं रहता जब तक वो सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करता है, और उसके बाद जाके पता लगता है कि मतलब एक्चुअल में मतलब है ही नहीं, इस जो अपने ने पढ़ा है वो है ही नहीं इंडस्ट्री में काम का। करेक्ट. तो सर अभी मैं जैसे कि थर्ड ईयर खत्म हुआ है अच्छा और एक ईयर है मेरे पास पूरा, अच्छा तो मैं चाहता हूँ सर कि ये बिल्कुल मतलब खराब ना हो मेरा, और इंडस्ट्री में जो काम है वो सीख पाऊँ मैं। तुम बहुत अवेयर हो, पहली बात तो इसके लिए तुमको भी बधाई हो, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो फाइनल ईयर के बच्चे रहते हैं, थर्ड ईयर के बच्चे रहते हैं, ये फिर बोलो कि फाइनल ईयर के बाद भी 1-2 साल तक अवेयर ही नहीं रहते. आप सर्चिंग में हो, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है. आप में से कोई भी बोला था एमएनआईटी में, तो मैंने भी एमएनआईटी में ट्रेनिंग किया हुआ है, जो भी किया था शुभम ने शायद किया था, किसी ने मैसेज किया था गाइस. फिलहाल दीपक, आप अगर इंडस्ट्री में अभी से तैयारी कर लेंगे तो बेटर ये रहेगा कि अभी जैसे हमारे स्टूडेंट है अविद करके, अगर आप लोगों ने देखा हो तो ऑफर लेटर वगैरह उसका, तो अविद फाइनल ईयर में है, ठीक है, और उसने पिनेकल का इंटरव्यू क्रैक कर लिया. पिनेकल बहुत बड़ी कंपनी है बीम की, ठीक है.
अब उसका क्या हो गया, उसका बहुत सही समय पर उसने अपने करियर को मूव कर लिया। अब सोचो उसका भी फाइनल ईयर कंप्लीट होगा सितंबर में या फिर अगस्त में रिजल्ट आएगा, उसके बाद उसको अक्टूबर में ज्वाइनिंग है, यस सर। टेंशन ही नहीं है। हाँ ठीक सर, है, जैसे कि मैं अभी मतलब मेरा थर्ड ईयर जैसे खत्म हो गया, मतलब अभी मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, जस्ट अब स्टार्ट हो गया, तो इंटर्नशिप करनी हमको समर इंटर्नशिप। अरे यार फतिंगे आ रहे हैं यार, देख रहे हैं। ठीक है अरे सर, कोई ठीक नहीं, है। तो यस, अगर अभी से करेंगे दीपक तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आप 1-2 महीने रुक सकते हैं, आपके पास पर्याप्त समय है। ठीक है, अगर आपके पास अभी सेमेस्टर का कोई प्रेशर ना हो तो अभी कर लीजिए, सेमेस्टर का प्रेशर है तो थोड़ा रुक के करिए। ठीक है, आपको जी देख लीजिए, सेमेस्टर सर, सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो गए हैं और जस्ट अभी मैं फ्री हो गया हूँ, मतलब कॉलेज की तरफ से। तब तो तो बहुत अच्छा है कि अगर आप फ्री हो गए हो तो इसी हाँ 10 जुलाई से ही आपकी बीम की बैच चल रही है। ठीक है, उसको स्टार्ट कर लो डायरेक्ट, सबसे बेटर रहेगा। जी सर। सर पर मुझे एक डाउट रहता है कि मैं जब भी पूछता हूँ मतलब टीचर से, अपने मेंटोर से, तो उनका ये कहना रहता है कि बीम मतलब एक दो सॉफ्टवेयर है नहीं कि तुम बीम कर लोगे। वो बोलते हैं कि इसके लिए तुम्हें एटलीस्ट 1 साल किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से करना पड़ेगा जहाँ पे बहुत अच्छे लेवल से तुम्हें बताएंगे सारी चीज़ें, और ऐसे ऑफलाइन करना पड़ेगा, तो ऑनलाइन वगैरह पे तुम अप्रोड हो सकता है, ऐसी ऐसी बात बता दें मतलब। और तो सर उसी रिलेटेड डाउट हाँ था। ठीक, अच्छा क्वेश्चन उन्होंने भी दिया, बट एक चीज करना चाहूंगा दीपक, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, आई रिस्पेक्ट फॉर ऑल द टीचर्स, बट टीचर्स को इंडस्ट्री का बहुत रेयरेस्ट एक्सपीरियंस हो चुका है, या बोलो कि न के बराबर एक्सपीरियंस है। ठीक है, जी सर अभी जो टीचर्स लग रहे हैं, मैक्सिमम टीचर्स कौन लग रहा है, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर ओन कैरियर्स। ठीक है, मैं अभी रिसेंटली एक बहुत रेपुटेटेड, या बोलिए कि पुणे का सबसे बेस्ट जो कॉलेज है, उस कॉलेज में गया हुआ था, एंड दे आर ऑफर अस फॉर सम वर्क्स। ठीक है, तो उस वर्क के बाद मैंने उनसे जैसे जैसे बीम के बारे में बताया, मैंने कहा कि वी जस्ट ऑफर द बीम ऑल्सो, दे आर नॉट अवेयर विद सिंगल पार्ट ऑफ बीआईएम, वो जी सर अवेयर नहीं है। और पुणे का टॉप कॉलेज है, टॉप, जिसकी फीस इस समय 3.5 लाख रुपये पर ईयर है, कुछ लोग समझ गए होंगे कॉलेज, मैं नाम नहीं लूंगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो अवेयर देखो इसमें दीपक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है दोस्त, कि लोगों को उसका अवेयरनेस नहीं है, सबसे पहली तो ये। दूसरी चीज क्या होता है दोस्त, कि एंट्री लेवल हर चीज की जो होती है वो बहुत सिंपल पार्ट से होती है। ठीक है, जैसे कि आपने अभी क्या बोलते हैं, सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट किया, अचानक से सारे सॉफ्टवेयर थोड़ी आ गए थे, एक चीज जी सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हुआ पहले, मैकेनिक्स, सॉरी सब्जेक्ट मैकेनिक्स, फिर धीरे से आया सोम, है ना, फिर धीरे से आया आरसीसी, धीरे धीरे लगते चले गए ना। तो ऐसे ही बीम जो है, बीम में आपका तीन, मीनिंग बीम के अंदर तीन पार्ट है एक्चुअली। एक पार्ट है बीम मॉडलिंग की पूरी इंडस्ट्री है, जिसमें स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, आर्किटेक्चरल मॉडलिंग, एमईपी मॉडलिंग सब आ जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट है, उस पार्ट का नाम है बीम स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी के लिए आपको लगता है एक्सपीरियंस। ठीक है, एक और पार्ट है जिसका नाम है बीम इम्प्लीमेंटेशंस, लेकिन बीम इम्प्लीमेंटेशंस बीम स्ट्रेटजी की बनाने के लिए अभी आपको जरूरत ही नहीं है। अभी आपको जरूरत किस चीज की है, एंट्री की। ठीक है, तो अभी आप यस इंडस्ट्री में आओगे तो आपको आइडिया लगेगा, जैसे कुछ लोग जो यहाँ पर एक्सपीरियंस होंगे उनको पता होगा, एक प्रोफाइल होती है ड्राफ्टमैन की, उस प्रोफाइल के लिए एज सच कोई खास टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। क्या होता है, जस्ट ऑटोकैड का नॉलेज हो, थोड़ा सा आपको रेनफोर्समेंट वगैरह के बारे में पता हो, दैट इज सफिशियंट। ठीक है, वैसे ही बीम के अंदर जो बीम मॉडलिंग प्रोफाइल होती है, इसके लिए कोई भी साल भर नहीं लगना चाहिए। दूसरी चीज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या होता है दीपक, कि आप यहाँ पर बहुत अच्छे से पैसे को सेव कर पाते हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर जो अपनी गुरुकुल की फी है, वो तो हमने एकदम साइट इंजीनियर के रिस्पेक्ट से रखा हुआ है, कि एक साइट इंजीनियर की अगर 20-25 हज़ार सैलरी है, वो कैसे अफोर्ड कर सके। मेरा वो माइंडसेट से ही मैंने क्लास स्टार्ट किया था, तो और उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए किया भी था। तो इसमें गाइस 20,000 आपकी फी रखी है 4 मंथ की, उसमें इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन अलग अलग है। तो इससे क्या होता है कि आपको मैं बहुत आराम से 20,000, मेरा जो 1 घंटे का मेरी मेहनत का जो चार्ज है, वही मैं आपसे ऑफर कर रहा हूँ। अगर इसी चीज़ को मैं अगर ऑफलाइन कर देता हूँ दीपक, तो देखो मैं कम से कम, मुझे 70-80,000 रुपीज़ लेना पड़ेगा आपसे। हो सकता है आपके लिए अफोर्डेबल हो, बट बहुत ज़्यादा लोग होंगे जिनके लिए ये फी बहुत अफोर्डेबल है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जो बच्चा 20,000-15,000 की जॉब कर रहा है, वो 80,000-1 लाख रुपये दे ही नहीं पाएगा। पुणे जैसे जगह पे मुझे अगर ऑफलाइन करना पड़े, और ऑफलाइन के लिए मुझे स्वाभाविक सी बात है, मुझे सबके पास जाना पड़ेगा, टीम रखना पड़ेगा, झाड़ू पोछा रेंट एसी, पता नहीं कितना कितना खर्चा लगाना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज 4 से 5 लाख रुपए मुझे लगाने पड़ेंगे पर मंथ, एंड देट वी आर गोइंग टू ऑफर यू द सैलरी। उसके लिए मैं आपसे ज़्यादा बड़ी फीस ऑफर करूंगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा फीस ऑफर हो। दूसरी चीज़,
पुणे में आके लोगों को हर किसी को सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली विदाउट जॉब। ठीक है, यहाँ पर एक महीने का जो एक्सपेंस है वो 10 से 15 हज़ार रुपये है। जो लोग पुणे के हैं उनको पता होगा या मुंबई के लोगों को पता होगा कि 10 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ 4 से 5 महीना रुकना, उससे कहीं ज़्यादा बेटर है कि आप अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आराम से सीख पा रहे हो। इंजीनियरिंग कंप्लीट होते होते आप रेडी हो, इंटरव्यू में गए, सेलेक्ट हो गए। और ये सर पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है, कोई मैं हवा में तो बात कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि अपनी डेली बेसिस पे अगर आप कनेक्ट होंगे तो आपको पता हो डेली बेसिस पे अपनी 5 से 6 बैचेस हैं अलग अलग समय पर। ठीक है, सर तो उसकी गारंटी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, अगर इतना सा ट्रस्ट कर सके। मैं ज़्यादा ट्रस्ट नहीं मांगूंगा, इतना सा ट्रस्ट कि अगर 4 महीने आप डेडिकेट हो गए, जिस टीचर ने बोला है मैं उनको रॉन्ग प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, यस तो सर उसका एक्चुअली तरीका नहीं समझ सर पाता हूँ। होता क्या है कि अगर हमको एक राइट डायरेक्शन ही नहीं पता है कि हमको जाना कहाँ है, तो वो सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि अभी जस्ट मेरे साथ कंप्यूटर साइंस के जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, अभी सबका हो चुका है। हाँ और मतलब सिविल के जितने भी बच्चे हैं, उनमें से किसी की इंटर्नशिप भी नहीं लगी है। ये करेक्ट, देखो इसमें ये रियलिटी है सर। और मैं ये सोचता हूँ कि शायद मतलब कहीं ना कहीं हम में कमी रहेगी होगी ऐसा। नहीं, हम में तो कभी बिल्कुल नहीं थी। सबसे पहली बात तो ये नहीं, इससे अपना कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज दीपक, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा। दीपक, क्या होता है कि जो आईटी इंडस्ट्री है ना, नो डाउट वो बूमिंग इंडस्ट्री है, सैलरी भी अच्छी मिल रही है लोगों को, इसमें भी कोई दो राय नहीं है ना। लेकिन ये आगे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 4 से 5 साल बाद वो अलग है, उसके डिस्कस बाद में करते हैं। पहले देखो क्या होता है दीपक, एंड सबको बता रहा हूँ गाइस, कुछ लोग मेरे से ऐसे पूछते हैं कि सर, पूछते क्या है, बताते हैं कि सर मैं स्ट्रक्चर में अपना करियर नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे एक्स वाई जेड भाई ने बोला है कि इसमें कोई स्कोप नहीं है। मैं बी में करियर सर नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे एक्स वाई जेड भाई ने या एक्स वाई जेड टीचर ने, एक्स वाई जेड बहन ने ये बोला हुआ है इसमें कोई स्कोप नहीं है। तो मैं पूछता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, तो बताते हैं कि वो बैंक पीओ है, कोई बताता है वो मैथ के टीचर है, कोई बताता है ये वो एक्स वाई जेड। तो मैं बोलता हूँ कि देखो, अगर मेरे पास इस समय एक कहवा, मैं कहवा पीता हूँ गिरनर का, जो कि ग्रीन टी होता है, इसका स्वाद अगर आपको बताना हो दीपक, तो आप बता पाओगे क्या इसका स्वाद नहीं बिना सर पिए? नहीं बता पाओगे। तो आप राइट पर्सन नहीं हो इसका स्वाद बताने के लिए, राइट? और मेरे पास लगभग लगभग 100 से 150 पैकेट्स हैं इसके, जो मैं पी चुका हूँ। ठीक है, अभी भी क्लास में पी ही रहा हूँ, तो मैं एक राइट पर्सन हुआ इस चीज़ का, इसका स्वाद बताने के लिए, राइट हुआ कि नहीं? सर ठीक है, तो आपको पूछना किससे है, रास्ता किससे पूछना है जिसने उस रास्ते को देखा हो। सबसे इम्पोर्टेंट गलती यहाँ हो जाती है, एज अ इंडियन हम सब की गलती यही होती है। ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये कि अगर आपने कहवा का स्वाद, यानी एक्स वाई जेड पर्सन ने कहवा का स्वाद नहीं लिया, प्लीज उनसे मत पूछो। ठीक है, यस तुम्हें पूछना है, लिंक्डइन जैसे सोर्स रखा हुआ है, ढेर सारे टेक्निकल प्रोफेशनल लोग हैं, जिस इंडस्ट्री में जाना है सर्च करो उसमें कौन जॉब कर रहा है, उनको रिक्वेस्ट भेजो, उनसे पूछो, बेस्ट सलूशन। ठीक है, यस सर अगर मान लो, क्योंकि मैं सबके लिए अवेलेबल नहीं हूँ, बट एक तरीका तो सबके लिए अवेलेबल है ना, कि लिंक्डइन पे गए प्रोफेशनल जो उस फील्ड में हैं, स्ट्रक्चर में जाना है स्कोप कोई कोई बोला नहीं है। एक मिनट भाई साहब रुकिए, आप पहले स्ट्रक्चर के किसी स्ट्रक्चर इंजीनियर से बात करता हूँ, भाई क्या सैलरी लेते हो, क्या पाते हो, तुम्हारे यहाँ पर जो सबसे एक्सपर्ट बंदा है उसकी क्या सैलरी है ना, तो उससे क्वेश्चन पूछोगे तो इसके लिए बेटर रहेगा। यही सबसे बड़ी गलती लोगों के साथ होती है, और शायद इस चीज़ को एग्री करोगे आप भी अगर समझते होगे दीपक, राइट? तो पहली यस चीज़ तो सर ये, और दूसरी चीज़ रही बात आईटी इंडस्ट्री की, आईटी इंडस्ट्री की इतनी तेजी से भेड़ चाल हो रही है कि मैं आपको बताऊं तो मेरा कजिन है यहाँ के, टीसीएस का हेड है पुणे का, पूरा जोन है उसके पास टीसीएस का, मतलब हेड मतलब बहुत ज़्यादा हायर प्रोफाइल पे है। ठीक है, उसका स्टेटमेंट मैं तुमको बताता हूँ कि जिस तरीके से उस इंडस्ट्री के अंदर लोग बढ़ रहे हैं, हार्डली 2 से 3 साल के बाद फ्लॉप होने वाली इंडस्ट्री। ठीक है, ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट होता है, आप भी इसी को समझते हो कि आपके एरिया में सबसे ज्यादा भीड़ वाला एरिया, पर आप जहां से भी होंगे सबसे ज्यादा भीड़ वाला एक एरिया होगा, है ना, और वहां पर लगभग हर चीजें बहुत सस्ती मिलती होंगी, मिलती है कि नहीं मिलती है, कोई मार्केट यस होगा सर ऐसा? क्योंकि ठीक है, क्यों मिलती है? सर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई वहां पर लोग ज्यादा हैं खरीदने वाले, और वहां पर उससे भी ज्यादा लोग हैं बेचने वाले, तो जब बेचने वाले बढ़ जाएंगे तो खरीदने वाले आपको क्या करेंगे, भैया इतने का दे दो, भैया इतने का दे दो, डिस्काउंट रेट लेके। और अब यही चीज स्टार्ट हो गया है किसी भी इंडस्ट्री में, इवन बीम में भी, जैसे अभी बूम हुआ है बीम, नो डाउट, ठीक है, बहुत ज्यादा बूम है,
4.8, 5.2, 5.8 का पैकेज सिविल के लिए एक ड्रीम था जो कि भीम कंप्लीट कर रहा है बड़े आसानी से, लेकिन आज से 10 साल बाद ये इंडस्ट्री भी डाउन हो जाएगा। पिक्स है, ठीक है। हर इंडस्ट्री एक बार बूम करती है जब वहां पर क्राउड होने लगता है, स्वाभाविक सी बात है, जैसे क्राउड हर जगह जहां पर होता है। ठीक है, हमारे हमारे मैं इलाहाबाद से हूँ तो वहां पर एक मार्केट, इसका नाम है लक्ष्मण मार्केट, मोबाइल की शॉप्स हैं वहां पर, मोबाइल का रिपेयर होता है। आप बाहर रिपेयर 600 को कराओगे, वो हार्डली आपको 110 120 रुपए में रिपेयर करके दे देंगे। रीजन, पूरी मार्केट के अंदर सिर्फ उसी मोबाइल की शॉप्स है, समझ रहे हो उसका रीजन। यही चीज आईटी में हो रहा है, धीरे धीरे वो रिजल्ट दिखेगा आपको, हर इंडस्ट्री में दिखेगा। अगर भीम में ही बहुत क्राउड हो जाएगा तो क्या पता, अभी भीम के बारे में लोगों को नहीं पता है, अब जैसे जैसे भीम के बारे में लोगों को पता रहेगा तो धीरे धीरे क्राउड इकट्ठा होगा। आज से 10 साल बाद इसमें भी डिमांड कमी हो जाएगी धीरे धीरे, और हर इंडस्ट्री में। लेकिन 10 साल में आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप टिके रहोगे। जैसे आईटी में अब जो मेरा भाई है जो टीसीएस का हेड है ना, पुणे का एक जोन का, उसका जॉब नहीं जाएगा। जॉब यस किसका सर, जाएगा? ये जो बिगनर्स हैं जो कि मैकेनिकल से हैं, बट उनको किसी ने समझाया था कि इसमें पैकेज अच्छा है, आ गए हैं, टेक्निकल असिस्टेंट बने हुए हैं, कोई टेस्टर बना हुआ है, अलग अलग छोटी छोटी प्रोफाइल्स में जॉब कर रहे हैं, ये चले जाएंगे। ठीक है दोस्त, यस सर, तो किसी के भीड़ चाल में मत जाओ, और जस्ट बीम में फोकस करोगे तो आपको सैलरी डेफिनेटली 100% अच्छी मिलेगी, क्योंकि मैं रोज देख रहा हूँ दोस्त। मैं कोई बता ना कहवा जैसे पी रहा हूँ, वैसे मैं इसको रोज प्लेसमेंट देख रहा हूँ। ठीक गुड है, इवनिंग सर, सत्यांशु गुड इवनिंग जी। सत्यांशु, बोल रहे हाँ हैं, सत्यांशु, सत्यांशु सत्यांशु, श्रीवास्तव। देखो सत्यांशु अपनी कंपनी खोल लिया है, ठीक है, और मुझे अच्छा लगा, SABE ना, और मैंने इसको कहीं से कोरिलेट किया कि जहाँ से तुमने काम किया था, ठीक है, उससे मेल कर रहा है ये। एक्चुअली ये किसी XYZ कंपनी में काम करते थे, तो उस कंपनी का नाम भी कुछ ऐसे ही था, मैं कहा इसको ऐसा ही नाम मिला था, तो फिर पूरा नाम पढ़ा तो मैंने कहा छोड़, थोड़ा अलग है। ठीक है, पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया कि वही नाम से तो नहीं कर दिया, लेकिन नाम अलग था। ठीक है, थोड़ा सा सत्यांशु समय लूंगा, एक क्वेश्चन इनका ले लूं, बहुत देर से अली बैठे हुए हैं, मैं करता हूँ तुम्हारे क्वेश्चन, ठीक है सत्यांशु? ठीक है, क्योंकि ये लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं। ओके अली अली भाई साहब, आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ लीजिए। मोहम्मद अली, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर, अली दो सर हैं, मैं अली, मोहम्मद अली, हाँ मोहम्मद अली है, मोहम्मद मेरा नाम हैंड मेरा दोनों हैंड राइज किया हुआ है। हाँ, लोग किए हैं। ओके, ठीक है, जैसे आप पूछ एक्चुअली लीजिए, बाद सर में पूछ मेरा, लेंगे। ठीक हाँ है ठीक, थोड़ा सा सर कंफ्यूज ये है हाँ मेरा कि बोलो। मैंने मास्टर कर लिया है, सोशल वर्क में जॉब भी कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है, और मैंने उस टाइम जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, एक सेकंड ऑप्शन में मैंने डिप्लोमा कर लिया था सिविल से। हाँ अब ऐसा है कि सिविल मतलब मास्टर में मुझे सोशल वर्क में एक इंटरेस्ट था जो खत्म हो गया, क्योंकि हर किसी को मतलब वो है कि प्रोग्रेस नहीं है उस फील्ड में, हाँ पैसे नहीं आगे जाके, हमेशा हाँ इतना ही रहना है। तो मुझे बीम में मेरा एक फ्रेंड काम करता है जो अच्छी कंपनी के अंदर अच्छी पोस्ट पर काम करता है, उसने सजेस्ट किया था कि भाई आप बीम में आओ, अच्छा थोड़ा सा नॉलेज लो, मैं थोड़ा रेफरेंस भी लगा दूंगा और अच्छा तुम्हारा पैकेज मिल जाएगा, तुम बीम सीखो। तो यही है सर, मैंने डिप्लोमा उसमें सिविल में कर लिया था, 2020 में कंप्लीट कर लिया था, लेकिन मैं सिविल का मुझे सी भी पता नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा, मुझे सब कुछ भूल गया जो पढ़ा था वो, करेक्ट और कभी कोई साइड वाइड पे कुछ भी काम किया नहीं। करेक्ट तो मुझे यही, अब मुझे अभी बता रहे थे, पूछ रहे थे कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जाना है या बीम में जाना है, मॉड्यूलर में जाना, ये मुझे उसके बारे में भी नहीं पता। ये है कि मैंने आपकी यूट्यूब वीडियो और एक मुख्तार सर है उनकी यूट्यूब वीडियो देखता हूँ मैं, उससे मुझे आइडिया मिला, और ये लिंक वगैरह ग्रुप से ऐड हुआ हूँ मैं आपके, तो आज अच्छा थोड़ा पता चला कि ये भी एक। तो आप थोड़ा सजेस्ट कीजिए कैसे ज्वाइन करना है क्या। और सर दूसरा क्वेश्चन साथ ये, थोड़ा बहुत पहले आप कोर्स के बारे में कंप्लीट बता दीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, अच्छा ताकि जिसको जाना है वो जा सकता है। हाँ, ठीक है, थैंक यू ले। बेसिकली गाइस, कोर्स इज ऑल अबाउट, जैसे कि स्ट्रक्चर गुरुकुल की मैं बात करता हूँ, पहले व्यायाम की बात कर लेते हैं। व्यायाम गुरुकुल इज ऑल अबाउट, जिसमें आपकी पूरी बीम की ट्रेनिंग्स होती है। बीम क्या हो गए, कोलेब्रेशन वर्क है, जिसके लिए मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, शायद आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट एमईपी, नेविस्वर, टेक्ला, 3ds Max, स्केचअप। 3ds Max, स्केचअप एज सच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन सॉफ्टवेयर जो है वो रेविट, नेविस्वर, टेक्ला, इन तीनों से 100% जॉब लग जाती है। ऑटोकैड स्टार्टिंग में सिखाया जाता है, जिससे कि आपका माउस, जैसे इन्होंने अली ने बोला ना कि इनका टेक्निकल छूट चुका है, तो ऑटोकैड के बेस पर हम थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज इनके अंदर डाल देते हैं, जैसे कि कवर, मिक्स प्रोपोर्शन, डेंसिटी, ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। लेकिन अभी जैसे कि जिसका छूटा हुआ है, 4 साल 5 साल का गैप हो गया है, उसको कैसे हो, तो इसी ऑटोकैड के साथ साथ हम लोग बेसिक बेसिक ऐड कर देते हैं, जिससे बेसिक्स दिक्कत ना हो। उसके बाद मेन जो बीआईएम स्टार्ट होता है 15 दिन बाद होता है, जिसमें रेविट आर्किटेक्चर,
स्ट्रक्चर, फिर एमईपी, फिर नेविस और टेकला, उनके बिहाफ पर उनके बैकग्राउंड में कुछ चीजें चलती रहती हैं, जैसे कि वीईपी, कोवी, एलओडी, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, ये सब आपके साथ में प्रिपेयर होते रहते हैं अली। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। और बेसिक्स जो इतने बेसिक्स होते हैं कि मुझे क्लास में पढ़ाना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत कुछ चीज बहुत बेसिक होती है, उनको मैं आपको पीडीएफ के रूप में शेयर करता हूँ, जो लगते हैं कि ये इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, वो सारी चीजें मैं आपको क्लास के अंदर कवर करता हूँ। तो सिर्फ मेरे नोट्स जो मैं आपको दूंगा वो रिफर करिए, 100% बेसिक से लेके कंप्लीट व्यायाम तक आप लर्निंग ले लेंगे। और इंडस्ट्री में ये मेरी गारंटी है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, यूट्यूब पे डालूंगा, जो मैं पढ़ा दूंगा गारंटी लेता हूँ 80% से ज्यादा क्वेश्चन किसी भी बीम के इंटरव्यू में, गारंटी बोल रहा हूँ मैं, वर्ड आप याद रखना, और ये यूट्यूब पे डाल रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है, 80% से ज्यादा क्वेश्चन मेरे नोट से, मेरे द्वारा मॉक पे लिए गए क्वेश्चन से, मतलब कुल मिला के आपका ट्रेनिंग के अंदर से रहेंगे, ठीक है। बहुत बड़ी कमिटमेंट है, बट मैं इसे आपको रिटर्न दे सकता हूँ, ये मैं इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख रहा हूँ, और नहीं है, क्योंकि मैं दिन भर यही कर रहा हूँ, तो ऑफकोर्स उसका फर्क पड़ता है। तो अली आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप इसको आराम से कर सकते हैं, जस्ट मिनट। हाँ हेलो अली, एक्चुअली नेटवर्क इशू चला गया था, आपको आवाज़ पूरी चली गई थी जो मैंने बोला, सब सुन लिए थे आपने? सर, लास्ट में 80% तक गारंटी ले रहे थे, यस उसके बाद में आवाज चली यस, गई थी ठीक बस। है, तो गारंटी के बाद आवाज़ चली गई, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने ये बोला दोस्त कि आप जो क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, 100% जो मैं पढ़ा दूंगा उसी से पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। सर और इसका क्लास का शेड्यूल वगैरह क्या रहेगा? शेड्यूल ऐसा रहता है ब्रदर कि हर मंडे को मॉक इंटरव्यू, जैसे कल मंडे है, कल सबका मॉक इंटरव्यू नहीं होता है, सर, ठीक है, टाइमिंग टाइमिंग टाइमिंग। वगैरह, बिकॉज जॉब अच्छा, भी कर उसमें रहे हैं वो। टाइमिंग जो रहती है हम जॉब के अकॉर्डिंग ही रखते हैं, 8 to 8:30 to 10, 8:30 से 10, रात में, ठीक है, हमारी सारी बैचेस रात में ही होती हैं, ठीक है सर, ठीक ठीक है। है। इसके बाद वाली बैच जो होती है वो 10 to 11:30 होती है, जो कभी कभी 12 बजे 12:30 बजे तक चली जाती है, तो उसका टेंशन नहीं है, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए आप। और दूसरी चीज, इसमें 1.5 घंटे लाइव रहेगा, 1.5 घंटे रिकॉर्डिंग रहेगा, 2 घंटे का प्रैक्टिस सेशन, 5 घंटे जिसके पास समय नहीं है, फ्लेक्सिबल है 5 घंटे, बट 5 घंटे का समय नहीं है तो मैं उनको अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि उनके लिए ट्रेनिंग अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। 1.5 घंटे लाइव तो फिक्स एक रहना है, लेकिन 1.5 घंटे रिकॉर्डिंग जो है आपको दिन में कभी भी वॉच करना है, और 2 घंटे का प्रोजेक्ट कभी भी करना है, ये अवेलेबल नहीं है आपके पास, किसी के पास अवेलेबल नहीं है इतना समय, तो मत करिएगा, क्योंकि प्रिपरेशन थोड़ी हार्ड है गाइस, ठीक है। तो सबके लिए नहीं है कि रोज प्रैक्टिस कर पाना, रोज सबमिट करना, परफेक्ट तो आप हो जाते हो, बट इतना मेहनत करने के लिए भी बहुत ज्यादा कलेजा चाहिए। तो अगर है तो आ जाओ अली, प्रिपरेशन की पूरी गारंटी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। चलो ओके सर, थैंक यू। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। एक मोहम्मद अली नेक्स्ट है, उनका ले लेता हूँ, फिर गौस मोहम्मद आपका, उसके बाद लेता हूँ, ठीक टेट कन्फ्यूजन हो है जाता है सर, उनके ठीक नाम में। हाँ जी मोहम्मद अली, आप पूछ लीजिए आप। है। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सर मैंने बीटेक मैकेनिकल से 23 में पास आउट हूँ। हाँ, उसके बाद मैं अपना करियर बीम में बनाना चाहता हूँ, जिसके बीम लिए में मैंने मैकेनिकल हो रेविट, आप? यस सर, जिसके हाँ, लिए मैं रेविट, नेविसवर, बीम 360 और ऑटोकैड सीखा हुआ है। वेरी बट गुड, जो एक्चुअल में प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ वो इंटरव्यू में फेस कर रहा हूँ। हाँ मुझे कंपनी की रिक्वायरमेंट्स नहीं पता है और कैसे प्रिपेयर होना है वो चीज़ नहीं पता है, जिसकी वजह से मेरा कई इंटरव्यू फेल हो चुका है। सर अच्छा, क्या देखो गुरुकुल? यस हाँ, फिलहाल तो मेरा प्लेटफॉर्म उसके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। रीजन क्या यस है सर, कि दोस्त जो तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे वो बहुत ज़्यादा मैकेनिकल बैकग्राउंड से पूछेंगे, जैसे मैं तुमको रेफरेंस दे देता हूँ, शायद ये क्वेश्चन पूछा हो, एचयू यूनिट क्या होती है, डक्टिंग क्या होता है, प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं कूलिंग के लिए, ठीक है, इतना, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहे होंगे आपसे, है ना। इसके बाद आपसे पूछ रहे होंगे, ठीक है, कि हम डक्टिंग लगाते समय क्लैशिंग ना हो उसको कैसे रोक सकते हैं, प्लस डक्टिंग कितने टाइप्स के होते हैं, क्वेश्चंस आपके इसी यूनिट से आते सेम हैं, ठीक सेम क्वेश्चन सर पूछे जाते हैं ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में काफी दिन से हूँ तो मुझे सर, वो पूरा पता कंपनी है, की। लेकिन अली मैं इसको लेता नहीं हूँ अपने इंटरव्यू में, ठीक है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो पार्ट पूरा डिफरेंट पार्ट है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि पढ़ाने को मैं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें काम भी किया हुआ है, लेकिन आप जो जिस गुरुकुल में की बात करें, उस गुरुकुल में मैं ज़्यादातर सिविल के क्वेश्चंस लेता हूँ, जो सिविल इंजीनियरशिप और आर्किटेक्ट बैकग्राउंड से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो और प्लस आपने सॉफ्टवेयर सीख भी रखा है, तो
मेरे अकॉर्डिंग आपको मेरा फी भी अफोर्डेबल यस महंगा पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि सीख चुके हैं ना आप, तो वो अच्छा नहीं रहेगा। यस ठीक है, दूसरी चीज, मैं एक बहुत जल्दी एक कोर्स एक्चुअली पीछे लॉन्च किया था, जॉब्स गाइड करके प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था, जॉब्स गाइड, वो प्रोग्राम आपके यस यहाँ सर, अच्छा मैं रहेगा। आपके यूट्यूब के वीडियोस देखता हूँ सर, जो हाँ, जॉब गाइड करके है। तो वो और सर मैंने आप नहीं, देखा था एक कि मैंने, आप मॉक इंटरव्यू भी टेस्ट करवाते हैं, तो वो चीज़ हाँ मुझे बहुत इंस्पायर करी थी सर। ठीक है, तो वही एक्चुअली वो कोर्स आपके लिए अच्छा रहेगा। ये गुरुकुल का 4 महीना आपके लिए सही नहीं है, ठीक है, तो आप इसमें यस सर समय ना जाया करें। मेरे अकॉर्डिंग आपको चाहिए होगा तो हम आपको नोट्स भेज सकते हैं, आप अपने हिसाब से नोट्स पढ़ लीजिए। मेरा यह नंबर है, मैं यहाँ यस चैट सर बॉक्स में नंबर दे ला दे रहा हूँ आपको, तो आप नोट्स ले लीजिए, यस खुद सर से पढ़िए, जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुझे पता है, मैं दे देता हूँ, वही पूछेंगे, पढ़ लो, बस हो गया। यस सर प्लीज ठीक है, सर ठीक है, तो वो करो, क्योंकि गुरुकुल में आपको 4 महीना समय देना कोई समझदारी नहीं है। ठीक है, ये नंबर दे यस सर, दिया है, वही इस नंबर चीज पर मुझे व्हाट्सएप एक करना और गाइड नोट्स नहीं मिल भेजना, पा रहा कोई कंपनी की बात नहीं, रिक्वायरमेंट्स क्या कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है आप चलेगा, मैं इसके आपको लिए। क्वेश्चन सर बैंक मैंने दे आपका दूंगा। सर मैंने आपका देखा था हाँ सर, उसके बेसिस पे मैं अपनी प्रिपरेशन करना चाहता था कि जो ग्रेट, आप प्रिपरेशन नहीं करवा रहे हैं उसमें सिविल वालों को, अगर वो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, क्वेश्चन थोड़े अलग हैं, तो अगर मैं आपसे यस पूछने सर लगूंगा, मुझे तो पता है, ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, एचयू के कितने टाइप्स हैं, फ्यूज कौन कौन से होते हैं, केबल ट्रे का यस क्या यूज है, सब पता है मुझे, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि सिविल वाले सोचेंगे ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में आता है, ये भी प्रिपेयर करने लगेंगे, ठीक है, तो ये मिसमैच ना हो इनके साथ, इसलिए मैं यस आपको ऐड करने के लिए मना करूंगा। आपको मैं नोट्स दे दूंगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपका पक्का है वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। और गाइस एक गुड न्यूज़ सर देना प्लीज चाहूँगा, आप नोट, मैं बिल्कुल आपको मैसेज कर देता हूँ, प्लीज आप नोट्स चलेगा, प्रोवाइड कर दीजिए। ओके। ओके और गाइस एक गुड न्यूज़ आपको थैंक यू देने, सर। ओके जी, गुड न्यूज़ आपको गाइस देने चल रहा हूँ, ठीक है, गुड न्यूज़ मतलब वो गलत गुड न्यूज़ मत समझ लेना, गुड न्यूज़ मतलब कि आपको एक पूरा क्वेश्चन बैंक मैं रेडी कर रहा हूँ आप सबके लिए, ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक रेडी है, बट एक सेट तैयार कर रहा हूँ लगभग 500 क्वेश्चंस के, जिसको मैं शायद बुक के रूप में भी कन्वर्ट कर दूँ, तो उस क्वेश्चन के बिहाफ पर उसके बाहर से कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन ना पूछ पाए, इसकी पूरी गारंटी लेने का प्रयास कर रहा हूँ, अभी हो नहीं पाया है, आई एम ट्राइंग, ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ मैं परफेक्ट हूँ गाइस, बिल्कुल नहीं, कोई बोलता है वो परफेक्ट है तो सबसे बड़ा गधा है, हर कोई लर्नर है, ठीक है, तो हम लोग बहुत जल्दी उस क्वेश्चन को रेडी कर देंगे और सभी जितने भी गुरुकुल के बच्चे हैं सबको शेयर करेंगे, तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेंगे, जिससे कि उसके बाहर से कुछ पूछेंगे ही नहीं गाइस, ठीक है। अभिषेक बोल रहे हैं कि MEP वैकेंसी है वहाँ पर, हेल्प मिस पर्सन इज देयर, ठीक है, एनी MEP पर्सन, MEP में कोई अगर वर्क कर रहा है तो नीचे कमेंट करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि MEP रिक्वायरमेंट है, एक अभिषेक बता रहे हैं, कोई अगर MEP में नॉलेज रखता है तो व्हाट्सएप कर दे, तो उसकी जॉब तुरंत लग जाएगी, क्योंकि इनके कंपनी में रिक्वायरमेंट है गाइस, अभी जस्ट मैसेज आया है। चलो, ऐसे मेरे काफ़ी सिलेक्शंस हो जाते हैं, जैसे कि आज एक हमारी एक स्टूडेंट है मोनिका, उसके कंपनी में Unit 7 करके मुंबई की कंपनी है, उसके कंपनी में भी मेरी रिक्वायरमेंट है, तो उसने डाला, उसके अचार ने मुझे कॉल किया था कि सर आपकी स्टूडेंट काम करती है हमारे यहाँ पर, ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट है, अब मेरे बच्चे कल जाके वहाँ पर इंटरव्यू दे देंगे, तो ऐसे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। थैंक यू अभिषेक, बहुत जल्दी कोशिश करते हैं आपके लिए। हाँ, अब अभी आप पूछ लीजिए, क्या बोलते हैं, इन्होंने माइक ऑन किया था गाइस, ठीक है, हाँ सर गुड गुड इन इवनिंग कोर्स, हाँ सर गुड इन कोर्स, पूछना। जी सर, पहली बात तो ये कि मैं बीटेक 2024 ग्रेजुएट हूँ सर, बस एक मंथ हुआ है मैं पास होकर। एक डेढ़ महीना पहले मैं आपका चैनल डिस्कवर करा था, और जितने भी कंटेंट आपका देखा, आई कैन टेल दैट द सिंप्लिसिटी एंड द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द टफ कॉन्सेप्ट्स द फ्रेश इंजीनियर्स लाइक मी इज वेरी वेरी अप्रिशिएबल सर। थैंक यू फॉर द वैल्यूबल कंटेंट यू आर प्रोवाइडिंग फ्री ऑन यूट्यूब। सर मेरा क्या है सर कि मैं जब कॉलेज में था, थर्ड थर्ड ईयर में था, जब जब भी मैंने रेविट पे एक प्रोजेक्ट बनाया था सर, मतलब थर्ड सेवेंथ सेम में मैंने कोर्सेरा पे कोर्स है सर, बीम के बाद बीम के ऊपर, एक तो बीम एप्लीकेशन फॉर इंजीनियर्स बोल के और बीम फंडामेंटल्स फॉर इंजीनियर्स बोल के, ये नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी बोल के एक ये यूनिवर्सिटी है सर कोर्सेरा पे, उस कोर्सेरा पे मैं दो कोर्स ज्यादा सर। तो इसमें क्या है कि मैं दोनों कोर्सेस में मैं कुछ G+6 बिल्डिंग का एक पूरा मॉडल बना के, अच्छा जैसा रेविट में मॉडल बना देते हम लोग, हाँ पूरा पूरा पूरी बिल्डिंग बनाए थे, और बना के नेविस बॉक्स यूज करके उसमें फ्लैश डिटेक्शन वगैरह सब यूज करे थे सर। तो इस सब का नॉलेज है सर मेरे को, और कॉलेज में रहते हुए मेरे को सॉ में ये पूरे स्ट्रक्चर्स के इंटरेस्ट में मेरे को इंटरेस्ट था सर, अच्छा स्कोर भी करता था और इंटरेस्ट भी था, एक अलावा स्कोर नहीं करा तो भी मेरे को करने का मन होता था सर स्ट्रक्चर्स में। अब मैं एक मंथ हो गया सर पास आउट हुए,
एक यही कंफ्यूजन में था क्या बीम फील्ड में एंटर करूं या स्ट्रक्चर फील्ड में एंटर सेम क्वेश्चन निकल रहा है करूं। कमेंट बॉक्स में। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है गॉस, इसका बहुत सिंपल सा रीजन, मैं तुम्हारा काम तो वैसे देखना चाहूंगा, मेरे नीचे नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो उसमें मुझे अपना काम तो जरूर दिखाना, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। जरूर तो दूसरी जरूर सर। चीज, अब मैं दूसरी चीज बताता हूँ कि देखो इसमें क्या होता है गॉस, पहचानने का बस सिंपल सा मेथड है जो मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है, मे भी गलत हो सकता है बट सही है क्या, कि जो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है उसमें हमेशा कैलकुलेशन का यूज होता है, ठीक है। जैसे कि अगर, क्योंकि मैं खुद भी स्ट्रक्चर इंजीनियर रहा हूँ पहले, फिर मैंने भी मेन अपने करियर को स्विच किया, तो उसमें क्या होता है वॉल का लोड कैलकुलेशन, प्रेशर कैलकुलेशन, टॉर्जन का कैलकुलेशन, शियर का कैलकुलेशन, एक्सियल का कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन, डिफ्लेक्शन का कैलकुलेशन, मीन्स कंप्लीट ऑल अबाउट कैलकुलेशन रहता है। अगर आपको कैलकुलेशन इन द सेंस सारा कैलकुलेशन वहीं सोम से आ रहा है, आरसीसी से आ रहा है, ठीक है, स्टील में करियर बनाते स्टील से आ रहा है, और मैकेनिक्स से कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जा रहे हैं रिलीज वगैरह करने के, ठीक है। तो कुल मिला के जो सब कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये सब्जेक्ट्स ज़्यादा फेवरेट लगते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि अगर फेवरेट ये ज़्यादा है तो स्ट्रक्चर में करियर बनाओ, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर आपका करियर गैप हो जाता है तो स्ट्रक्चर में बिल्कुल मत बनाओ, उसमें करियर में पैकेज कम है तो स्ट्रक्चर में, ठीक है। दूसरी समस्या वहाँ पर क्या हो जाएगी है कि क्या बोलते हैं गैप वालों को प्रीफर नहीं करते वो, नहीं गैप मतलब मेरा ट्वेंटी हाँ मैं ट्वेंटी आपका फोर मतलब पास मैं आउट निकला। सबके लिए बोल रहा हूँ, ये हाँ क्वेश्चन अच्छा वैसे अच्छा काफी लोगों का रहेगा ना, तो ये तो ये है। ओके अब जिसका भी गैप है वो, तो गैप नहीं भी है, आपको अगर बेसिक्स क्या बोलते हैं क्लियर है आर्किटेक्चर के, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के, ठीक है, तो आपको बेटर सजेशन मैं दूंगा कि आप बीम के अंदर करियर बनाइए। जैसे कि कुछ लोगों को, मुझे कॉलेज में इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत अच्छा लगता था, ड्राइंग बना, क्योंकि पेपर्स बनाना पड़ता था, तो मैं बड़े अच्छे अच्छे प्लॉट भी हाँ बनाया था क्लास के अंदर, तो कुल मिला के वो एक माइंडसेट था कि यार वो अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें क्लिक कर रही हैं, आपको कभी कभी कई चीज़ें ना यार ये क्या व्यू है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, हाँ तो हाँ ये सर स्ट्रक्चर कैसे बना होगा इतना कॉम्प्लेक्स, तो इस अगर ये फेस आपके अंदर है तो पक्का है कि आपके अंदर वो आर्किटेक्चर वाला कीड़ा है प्लस जो मैनेजमेंट का कीड़ा है वो है, तो बीआईएम के अंदर इसके लिए बेहतर करियर बन सकता है, प्लस फ्यूचर में आप सर दोनों को मिक्स कर दीजिए, हाँ सर ठीक है। सर और एक या दो क्वेश्चन है सर हाँ मेरे। पूछो। सर ये क्या बोलते हैं, एक मेरा क्या है सर कि अब कैसा भी बीम में थोड़ा बहुत तो मैं फेमिलियर हूँ रेविट से नेवीस्टोक से, तो एक दो तीन साल वो करके मेरा आगे बिजनेस प्लान के हिसाब से कौन सा सही रहेगा सर। ये स्ट्रक्चर्स तो आप जैसा बोले एक गैप हो गया तो देखो मैं अगर तुम्हें नको कस्टमाइज ये कर सोल्यूशन दूँ, कस्टमाइज सोल्यूशन दूँ अगर, तो क्या करना चाहिए गॉस, तुम्हें अगर जॉब का बिजनेस का सोच रहे हो, ठीक है, तो बेहतर जी सोल्यूशन ये रहेगा कि पहले बीम के अंदर जॉब करो, ठीक है, और जी जॉब करके एटलीस्ट 1 ईयर 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस गेन करो, ठीक है, उसके जी बाद क्या बोलते हैं फिर स्ट्रक्चर्स के अंदर करियर बनाओ, ठीक है, बड़ा के अगर देखना है तो, ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर अच्छा करियर बना के, क्योंकि अभी आप जस्ट फ्रेशर हो तो आपके बहुत समय है, तो 1.5 से 2 साल आप जी स्ट्रक्चर्स में लगाओ, ठीक है, उसके बाद जी आप एक कंपनी फॉर्म करो जिसमें आप बीम की सारी सर्विसेज, स्ट्रक्चर की सारी सर्विसेज आप प्रोवाइड करो, ठीक है, अच्छा और ठीक है मैं खुद भी, हमारी भी कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है, ऑलरेडी हम लोग फ्रीलांसिंग तो कर ही रहे हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म अच्छा हम लोग रजिस्टर्ड हो रही है जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर कंसल्टेंट का पूरा काम देने वाले हैं, बीम कंसल्टेंट का पूरा काम देने वाले हैं, तो होप सो वेरी सून विल लॉन्च दैट ऑल्सो। तो कुल मिला के अब मजा आएगा, ऑल इन वन सोल्यूशन है अब, ठीक है, हम हाँ बाहर के प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं, इंडिया के भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं, स्ट्रक्चर के भी ले सकते हैं, बीम के भी ले सकते हैं, ठीक है, और मुझे इसी दिन का राइट इंतजार था, बट हाँ मुझे लग ये सब करने में 8 साल लग गया, ड्यू टू माई फैमिली बैकग्राउंड, ड्यू टू माई नॉलेज, सब कुछ मिला के 8 साल लगा, लेकिन ये है हाँ कि इस 8 साल में मैंने फ्रीलांसिंग काफ़ी ढेर सारे कर लिए, और उसके साथ कंपनीज में भी कर लिया, स्ट्रक्चर में भी कर लिया, बीम में भी, मतलब एक्सपीरियंस पर्याप्त हो गया। राइट नाउ मैं अपने मुंह से कहूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, बट आई एम सच सुटेबल कैंडिडेट फॉर डूइंग दैट ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए जो वही जो जिया हूँ वही मैंने आपको रेड शेयर सर किया, और एक क्वेश्चन था मेरा बोलो। सर। अब हेलो सर, हाँ जी जितना भी मैंने आपके साथ नॉलेज शेयर किया है, ये नॉलेज के साथ मैं अप्लाई कैसा करूँ जॉब्स के लिए, मेरे को थोड़ा इसके बारे में नॉलेज नहीं है। किन ठीक है, देखो पहली बात तो ये, कंपनीज देखो के जी गॉस आपने अभी जस्ट बोला कि आपने ये किया है, मैं कैसे मान लूं, तो सबसे राइट सर पहली सबसे पहला टर्म्स यही आ गया, मैं कैसे मान लूं, ठीक है, तो इसके लिए आपके पास प्रूफ चाहिए, मैंने बोला ना अपना प्रोजेक्ट शेयर करना, इसका सेंस ये था कि आप एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाओ सबसे पहले जिससे मैं मानूं, अच्छा राइट ठीक है, हो सकता है सर आपने राइट झूठ बोल रहे हो तब, ठीक है, राइट राइट तो सर और प्रदर्शन में 4 लाख का पैकेज भी दे दिया आपको, बाद पता चला यार ये इंसान झूठा था, सब इसी बात है, हाँ ठीक है, अब राइट
तो इसके लिए जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस मेरे जो मैं बोल रहा हूँ वही क्वेश्चन आएंगे इंटरव्यू में, और पता चला कोई बोल रहा है सर एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तब प्रूफ, तो प्रूफ मेरा है क्योंकि मैंने कई ढेर सारे वीडियोस देख रखे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बस इसके लिए आप पहले पोर्टफोलियो बनाइए अच्छा सा, उसके बाद रिज्यूम में उन कीवर्ड्स को यूज करिए जिन कीवर्ड्स के हेल्प से आप क्या बोलते हैं आप जो कंपनी है जो, क्योंकि कंपनी क्या करती है उनके पास एक ATS करके सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आपके रिज्यूम को डालते हैं, वो ATS हाँ पहचानने लगे कि आपका रिज्यूम बना हुआ है BIM के लिए। अब वो कैसे हाँ पहचानेगा, उसके लिए आपको उस हिसाब से रिज्यूम को सेट करना पड़ेगा। आपको फॉर्मेट चाहिए तो हम दिला देंगे, आप हमारे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आज थोड़ा मैसेज ज़्यादा रहेंगे तो कल रिप्लाई जाएगा, ठीक है। तो आप सर फॉर्मेट ले सकते हैं हमारे गुरुकुल का, क्योंकि हम हमारे जो बच्चे होते हैं सब ATS फ्रेंडली रिज्यूम बनाते हैं, फटाफट शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है। उसका जो अच्छा आर्ट है वो आर्ट आप देख लीजिएगा, फॉर्मेट को अगर यूज करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। बाकी पोर्टफोलियो भी आप चाहें तो हमारे ऐप में है ऑलरेडी, तो ऐप में जाके पोर्टफोलियो डाउनलोड कर लीजिए तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है और सर। हेलो सर। हाँ हेलो। एक बस थैंक एक यू बार सर। रुपेश, हाँ रुपये कुछ ग्रह गया क्या गॉस? नहीं यस यस सर, एक क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा। ठीक है सर, हाँ मुश्किल नहीं। थैंक याद आया तो थोड़ी देर यू बाद सर, करते, तो थैंक्स रुपेश फॉर योर टाइम ओके सर। ओके ग्रेट। रुपेश मैं आपको मैसेज कर दूंगा सर, यस मेरा यस बिल्कुल पोर्टफोलियो बिल्कुल डिजिटल। बिल्कुल गॉस, लिख के भेजिएगा क्या मांगना है थैंक मुझे यू याद नहीं रहेगा। यस श्योर रुपेश सर, बोलिए, मैंने अपना नाम लिख के भेजा। यस 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 रुपेश बोलिए। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, आई हैव 4 ईयर एक्सपीरियंस इन एग्जीबिशन, ग्रेट। बट मैं अभी BIM में करियर बनाना चाहता था। अभी हाँ मेरा सैलरी 60,000 है पर मंथ, ये राइट टाइम है क्या BIM में करियर बनाना? थोड़ा सा तो लेट हुआ है, राइट यार, ठीक है, इसमें तो यस कोई दो सर। राय नहीं है, ठीक है। रीजन क्या रहता है कि जब हम बहुत ज्यादा स्विच करके हम एक सैलरी पैकेज गेन कर लेते हैं, नाउ अगेन वी वांट टू कम बैक अगेन। और देखो मैं यही अभी देखो रुपेश, आपके लर्निंग से काफी लोगों को सीख मिल सकती है, कुछ लोग बोल रहे थे ना कि साइट का एक्सपीरियंस चाहिए क्या, अब प्रॉब्लम क्या होती है कि बैक आना है, ठीक है, और बैक आके फिर एक इंडस्ट्री में जाना है, तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या होगी रुपेश, बट डेफिनेटली आपके पास एक ठीक सैलरी है तो आपके पास समय है, कुल मिला के ये प्रॉब्लम आपके पास नहीं है, समय वाली है ना, तो आपको थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा रुपेश, आपको MNCs टारगेट करना पड़ेगा जो आपके सैलरी को मैच कर सके। फ्रेंकली स्पीकिंग तो पूरा का पूरा मैच नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि हमारा एक स्टूडेंट था, क्या बोलते हैं आप लोग अगर उसका कभी पॉडकास्ट देखे हो, विकास करके, ठीक है, उसका भी सेम सिचुएशन था, ही वॉज इन जियो, आपको पता है कितना रेपुटेड फॉर्म है जियो में, सिविल इंजीनियर यस था यस उस सर। टावर का, 55,000 सैलरी, 5 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है, विद ऑल द जो भी लग्जरी होती है जियो के हिसाब से सब कुछ मिला था। उसको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ऑफकोर्स साइट पर क्या जॉब थी उसकी, 9 बजे भी जाना पड़ रहा है, 10 बजे भी जाना पड़ रहा है। ही जस्ट कॉल मी एंड जस्ट से द सेम सिचुएशन, तो आई जस्ट सजेस्ट, उस समय मैंने गुरुकुल स्टार्ट किया था पहला बैच, तो मैंने उसको बोला कि दोस्त सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप 55 तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, नाउ यू नीड टू कम बैक अगेन वंस, ठीक है। वो रेडी हो गया क्योंकि वो बहुत परेशान था अपने करेंट जॉब से, परेशान यही कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, हेल्थ का प्रॉब्लम, तरह तरह की चीज़ें, तो एक टाइम के बाद ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जब अप्रॉक्स 30 आप पहुँचने वाले रहते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ गैस, उसने BIM को ज्वाइन किया हमारे साथ, और ज्वाइन करने के बाद फिर डेफिनेटली होना ही यही था कि 55 तो कोई मैच नहीं कर रहा था, तो उसने 35 पर अपना एक बर्किन आर्किटेक्ट करके कंपनी है, बेल्जियम की कंपनी है, वेस्ट बंगाल वाले जानते होंगे, वहाँ पर 35,000 से अपने कैरियर को स्टार्ट किया। ही जस्ट सेड कि सर सैलरी कम है बट मैं चाहूँगा कि मेरे हो, तो मैंने कहा एक बार करके देखो, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ अच्छा होगा, और हुआ भी वही, क्योंकि ऑफकोर्स उसके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, उसने हार्डली 4 महीने के अंदर वहाँ पर कोऑर्डिनेटर के रूप में बन गया, कोऑर्डिनेटर मतलब होता है बीम के अंदर मैनेजर लेवल की जॉब, ठीक है। और उसके बाद उसने लॉकडाउन में ही एक कंपनी है पुणे की, उसमें उसने अप्लाई किया, और टचवुड की उसके पास अच्छा नॉलेज भी हो चुका था उस 4 महीने, क्योंकि जल्दी जल्दी सीखते हैं ना, एक्सपीरियंस है, फटाफट फटाफट सीख लिया उसने, 4 महीने के अंदर उसकी जॉब लगी पुणे की एक बहुत बड़ी MNC के अंदर जिसका नाम नील सॉफ्ट है, ठीक है, वहाँ पर उसका जॉब लगा, और वहाँ पर वो सबसे वेल परफॉर्मिंग हार्डली 2 से 2.5 महीने के अंदर। अब ये कहने में बड़ा आसान लग रहा है पर उसने बहुत मेहनत किया होगा। फिर उस कंपनी में एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी आई कि जापान के प्रोजेक्ट्स उनको लेने थे, तो जापान के तरफ से ये आया कि आपके बेस्ट एम्प्लॉयज़ को आप भेजिए और वो हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग ले, कुछ प्रोजेक्ट्स करें, उसके बाद कम बैक जाएँ और यहाँ से प्रोजेक्ट लेके वहाँ पर काम करें। तो राइट नाउ इज जापान, और बहुत अच्छी सैलरी, और उसके बाद वो अभी जो उसकी करेंट सैलरी है वो 8 लाख रुपीज़ है, वो कहाँ से सेट किया था, और हार्डली 1 ईयर की स्टोरी है, 1 से मान लो 1.5 ईयर हो गया होगा,
ठीक है। ओके कुल सर। मिला के यही करना पड़ेगा आपको रुपेश, ये रेडी रहना पड़ेगा कि मुझे 60 से एटलीस्ट 45 46 के आसपास सैलरी मिल सकती है, जैसे सर मैं कस्टमर रेडी रिपोर्ट हूँ करते इसके हैं। लिए। हाँ मैं तो 10 जुलाई का बैच भी ज्वाइन किया है मैं अच्छा ग्रेट, बीएम का। हाँ बहुत अच्छे। तो इसमें रुपेश अगर आप रेडी हैं तो बिलीव करिए करियर पक्का है, ठीक है। समय लगेगा, आपके पास ओके समय है, ठीक है। तो मैंने उसको समझाया था कि अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करो, मैंने उसको पर्सनली गाइड किया था कि जो आपकी अभी सैलरी चल रही है उस सैलरी में से थोड़े पैसे सेव रखो, जब सैलरी थोड़ी कम बैक राइट। हो तो वहाँ पर उस सैलरी को यूज कर सको, क्योंकि खर्चे का एक यस लेवल बन सर जाता है ना उस समय पर, ठीक है। यस क्योंकि यस जैसे जैसे हम लोग की सैलरी बढ़ती गई वैसे वैसे हम लोग का, जैसे मैं 12,000 से करियर स्टार्ट किया था, मेरी लास्ट सैलरी लगभग 8 लाख का पैकेज था मेरा। तो कुल मिला के वो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है, वो शायद यस रुपेश सर समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो थोड़ा सा पैसे काट के सेव करके रखो, जिससे कि जब सैलरी थोड़ी सी कम हो तो वहाँ मैनेज हो जाए। 2-3 महीने की बात है, फिर रिकवर बहुत तेज करोगे। 6 महीने के बाद स्विच किया ना, सेम पैकेज से ज़्यादा पाओगे, पक्का मान लो, ठीक है। ओके ओके चलो ठीक ओके जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं शुभम गुप्ता जी का, और उसके बाद बहुत देर से चक्रवर्ती जी वेट कर रहे हैं। शुभम गुप्ता, यू कैन आस्क क्वेश्चन एंड देन विल कम विथ चक्रवर्ती देन तेजस, मे बी इज नॉट ऑडिबल नाउ, सो हम लोग चक्रवर्ती का क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। यस चक्रवर्ती बोलिए। यस के पी चक्रवर्ती, सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मैं अभी क्वालिटी एंड साइट इंजीनियर के पद पे हूँ और बिल्डिंग कंपनी में काम कर रहा हूँ। सर हाँ मुझे ये बीआईएम में जाना है और मैं सोच रहा हूँ सर डिजाइनिंग सीखूं, क्योंकि सर देख रहा हूँ साइट पे जो भी काम हो रहा है हम लोगों से ज्यादा जो है जानकार सुपरवाइजर फोरमैन होते हैं वो भी बता देते हैं कि यहाँ पर ये चीज है ये चीज हो जाएगी। तो मैं सर सोचता हूँ कि जैसे बीम और कॉलम की जो डिजाइनिंग होती है उसमें सरिया कितनी लगनी है, किस हिसाब से लोड पड़ रहा है, सर इसके बारे में हमको जाननी है और इससे रिलेटेड जो भी चीजें है जो भी बीआईएम के अंदर होता है वो सब जाननी है सर। करेक्ट। तो पहले तो चक्रवर्ती क्या करो, पहले तो नो डाउट आप बीम में करियर स्टार्ट करो, ठीक है। इसके बाद आपको जब अगर लर्निंग का, कितने साल का एक्सपीरियंस हो आपको? सर 1.5 साल का डेढ़ एक्सपीरियंस साल का, ठीक है। तो पहले तो अभी तो समय है, काफ़ी जल्दी आप समझ गए हैं इस चीज़ को, क्योंकि गाइस सर। बेसिकली समय जाने पर दिक्कत होती है, अभी समय है आपके पास, ठीक है चक्रवर्ती। और कुछ पूछना चाह रहे हो क्या, इसी का आंसर करूँ? और कुछ पूछना है या फिर इसी का आंसर करना है चक्रवर्ती? ऑटोकैड सर मुझे ऑटोकैड भी अभी नहीं आते सर, मैं एक जूनियर से स्टार्ट करना चाहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए हम ऑटोकैड से ही स्टार्ट करते हैं, जिसे किसी का ये क्वेश्चन ही ना रह जाए, ठीक है। हमारा पहला क्लास ऑटोकैड से स्टार्ट होता है, पहले ऑटोकैड परफेक्ट हो जाएगा तभी रेविट। क्यों? ये जो माउस है ना, इस पर हाथ सेट होना चाहिए, इस पर जिसका हाथ सेट है, देखो जी मेरे, हम लोग हाथ पकड़ते हैं माउस तो बिलीव करो पकड़ने का जो कॉन्फिडेंस है, आज से कई साल पहले का और आपका कॉन्फिडेंस अलग है, क्योंकि हमें इस पर कंट्रोल है गया है, ठीक है। ड्यू टू अगेन एंड अगेन वर्क, और मैंने कुछ अलग नहीं किया, दिन भर सुबह से शाम तक यही करोगे तो क्या होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है चक्रवर्ती, कि आप पहले तो बीआई में अपना करियर बनाओ, बीआई में करियर बना के उसके बाद जॉब लग जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1.5 साल का एक्सपीरियंस है आपका, बहुत आराम से जॉब लग जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगा दोस्त, कि इसके बाद फ्यूचर में आप स्ट्रक्चर का लर्निंग लेना फॉर इंक्रीजिंग द नॉलेज, जी ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा स्ट्रक्चर का लर्निंग आपको कैसे लेना है, ठीक है। अभी आप बीम में करियर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, 100% आप बना लोगे। बस एक चीज़ पे ध्यान देना, कम्युनिकेशन, बीम की कंपनियों को कम्युनिकेशन बहुत अच्छी चाहिए होता है। उसका रीज़न क्या है कि मैक्सिमम इनके क्लाइंट इंटरनेशनल वाले होते हैं, ठीक है। कोई बेल्जियम से है, कोई जापान से है, कोई यूएस से है, कोई अमेरिका से है, तो उसमें क्या होता है कि उनके जो क्लाइंट्स होंगे दे विल कन्वर्सेशन डू द कन्वर्सेशन विथ यू इन इंग्लिश, तो यू नीड टू इम्प्रूव द योर इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए खास, मुझे ऐसा लग रहा है तुम वेस्ट बंगाल से हो, इसलिए मैंने इस चीज़ को पिक किया है, वेस्ट बंगाल वालों की। नहीं सर जी अच्छा ठीक है, जनरली जो चक्रवर्ती सरनेम होता है वेस्ट बंगाल के रहते हैं, ये तो पता होगा तुमको, है ना। हम लोग तो सर हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो इसलिए इंग्लिश थोड़ी कमजोर सर। हाँ ठीक है, वो मेरी, मैं भी हिंदी मीडियम से कहूँ, मैं तो UMT में पढ़ा हूँ, अंडर मैंगो ट्री, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। इफ लाइक इफ यू जस्ट डेडिकेट योर सेल्फ कि मुझे करना है तो यू कैन डू, ठीक है। तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से करो, कम्युनिकेशन को थोड़ा इम्प्रूव कर लोगे तो बेटर हो जाएगा, पैकेज अच्छा लग जाएगा। कम्युनिकेशन का फर्क ये है कि सेम नॉलेज पर कोई 3 लाख पा सकता है, कोई 5 लाख का पैकेज पा सकता है, 2 लाख का डिफरेंस हो जाएगा कम्युनिकेशन की वजह से, ठीक है। यस तो वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन और आप बीम में आ जाओ, 100% आप सीख जाओगे, ठीक है। ओके थैंक यू ओके जी, ओके जी। तो तेजस का क्वेश्चन ले लेते हैं। यस तेजस बोलिए ना, तेजस
तेजस के बाद रवि एंड रवि के बाद शादाब आलम जी। तेजस ठीक है, मैं भी तेजस माइक ऑन किया बट आवाज नहीं आ रही है। तेजस आवाज नहीं आ रही दोस्त। शुभम कुछ बोलना चाह रहे हैं? अभी शुभम रेडी हो गए हैं। शुभम बोलो। गुड इवनिंग सर। हेलो हेलो शुभम, हेलो आवाज मुझे क्यों आ रही है, फिर आ ही नहीं रही। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, थोड़ा तेज बोलो शुभम। डिनर हो गया कि अभी भूख लगी है? नहीं सर, हो गया है सर। अच्छा एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था सर, हाँ मुझे अभी 3 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है हाँ हाँ आरओबी का, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का, मेट्रो का। तो हाँ सर मैं बीम कोर्स तो लेना चाहता हूँ, हाँ लेकिन सर मैं इसी ब्रिज सेक्टर में ही काम, मतलब मिल सकता है क्या कि बिल्डिंग सेक्टर में मुझे मिलेगा बिम की देखो सीखने के बाद? वो जो तुम्हारा फॉर्म है वो किसमें था, तुम्हें किसमें करियर बनाना है पहले ये बता दो। बिल्डिंग में बनाना है या ब्रिज में सर बनाना नहीं सर, बिम और ब्रिज, है? बिम कोर्स करने के बाद, जैसे मैं, मेरा तो एक्सपीरियंस मोस्टली ब्रिज का ही है, स्कूल बुलेट हाँ ट्रेन का है, मेट्रो का हाँ है, रूबी का है। तो सर बिम सीखने के बाद क्या उसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि इसी से कनेक्टेड बिम कोर्स जैसे सीखने यस। के देखो बाद? इसमें क्या होता है शुभम, पहली बात तो तुम्हारा मिक्स करियर हो गया है ठीक है, और अब बहुत अच्छी बात ये बताओ तुम्हारे गुड न्यूज़ की, अभी जो ब्रिज इंडस्ट्री है ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है उसने बीम को इम्प्लीमेंट कर लिया है ठीक है, तो अभी के लिए अच्छा ये हो गया, अभी तक नहीं था। अभी क्या हो गया, सारी जो ब्रिज बनाने वाली कंपनियां सब के सब बीम मॉडल बना रही हैं ब्रिज के ठीक है। शायद ये तुमने सुना हो, पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट मैंने काफ़ी ढेर सारी कंपनी में ओपनिंग देखा, जॉब ओपनिंग्स, वो जो जॉब्स गाइड चैनल पर मैं वीडियो डालता था तो देखता रहता हूँ कहाँ क्या ओपनिंग निकल रही है। तो उस ओपनिंग से मुझे पता चला कि अभी बहुत से ब्रिज की कंपनियां जो है वो ऑलरेडी बीम को इम्प्लीमेंट कर रही हैं, तो वहाँ नो डाउट आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये मान के चलिए कि 70 से 80% चांस है कि आपकी जॉब बिल्डिंग में लगेगी वो शुभम ठीक है। तो इस चीज़ को आप अभी से माइंड में रखेंगे तो आप माइंड से प्रिपेयर रहेंगे कि देर आर बिग चांसेस कि आप बिल्डिंग में पाएँ। दूसरी चीज़ क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस किस इंडस्ट्री में हुआ ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है आपको इंटरव्यू में आपने क्या एक्सप्रेस किया है ठीक है। तो इंटरव्यू में आपको वही यस एक्सप्रेस करना है जो सामने वाले की रिक्वायरमेंट है। ये मैं आपको जो मॉक इंटरव्यू में यही प्रैक्टिस कराता हूँ कि अगर आपका, जैसे कि एक बच्चा है हमारा बड़ा अच्छा हुजैफा, अब हुजैफा का क्या है कि वो क्या बोलते हैं सोलर इंडस्ट्री में है, वो सोलर के पैनल्स बनाता है ठीक है, तो आप समझते होंगे ऑटोकैड पर नॉर्मल यस स्केच होता है ठीक है। तो मैंने उसका एक्सपीरियंस कैसे कैलकुलेट कराया, मैंने उसको बताया कि नेक्स्ट टाइम कंपनी को क्या एक्सप्रेस करना है कि आप सोलर पैनल तो लगाते हो बट आफ्टर डूइंग द 3D मॉडलिंग्स ठीक है। अब क्या हो गया, उसका 2 साल का एक्सपीरियंस तुरंत कैलकुलेट हो गया एक वर्ड बोलने पर, कि मैं मॉडल बना के उसके ऊपर पैनल पैनल लगा के चेक करता हूँ तब ड्राइंग आगे भेजता हूँ, सिंपल। यस इस तरीके की ट्रिक आपको अपनानी पड़ेगी थोड़ी सी, कि मैंने ऐसे ऐसे करके बिल्डिंग्स की कंपनी, जो ये कंपनी थी बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में काम करती थी, तो मैंने इनके यहाँ पर ये वर्क किए हुए हैं साइट पर, जो साइड जो ब्रिज वगैरह के साइट होते, तो वहाँ पर जो बिल्डिंग्स कॉलोनी वगैरह बनती थी वो भी ऑर्गेनाइज करके बनवाया हुआ है, तो मेरा एक्सपीरियंस दोनों में है। उसके साथ ही साथ नो डाउट आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 6 मंथ एज ए इंटर्न इन द कंपनी दैट इज कॉल्ड यूनिक्सिविल ठीक है। इस तरीके से सर करो, एक क्वेश्चन और बोलो। सर, क्या मतलब ये जो बीम कोर्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं सर, इट विल बी सफिशियंट कि मुझे और एक्स्ट्रा कोई सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा ब्रिज में हंड्रेड जाने के लिए? परसेंट सफिशियंट है बीम के अंदर एंट्री करने के लिए, 100%, इवन नॉट एंट्री, 2 ईयर्स यू कैन सर्वाइव विद दिस ठीक है। तो ये आपके लिए 100% सफिशियंट है, और इस चीज़ को मैं सबको पहले बार क्लियर कर चुका हूँ, क्योंकि जो हम लोग सिखाते गए ये बीम मॉडलर और बीम इंजीनियर और बीम कोऑर्डिनेटर तक के लिए सफिशियंट है, और 2 साल में आदमी वहीं तक जा सकता है ठीक है। सर मैंने जितना मोस्टली मैं जितना भी वैकेंसी देखता हूँ सर, हाँ वो सारे बिल्डिंग सेक्टर में ही उनकी रिक्वायरमेंट रहती बिल्डिंग है। में यस ज़्यादा रहती है, और अगर मेरी ओपनिंग्स देखते होगे तो मैं बिल्डिंग का ही ज़्यादा बताता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे उसमें एक्सपर्ट होते हैं यस यस ठीक। मैं सर ब्रिज का मोस्ट उतना साथ मेरा, देता नहीं हूँ, हाँ बोलो। सर मेरा सर क्योंकि एक्सपीरियंस तो मेरा मोस्टली ब्रिज का है, तो मैं हाँ सोच रहा था सर इस गेम सीखने के बाद इससे कनेक्ट हो जाएगा तो मेरा बेनिफिट हो जाएगा हो एक्सपीरियंस। जाएगा ठीक है। थोड़े से मॉडल्स तुम्हें ब्रिज के बनाने पड़ेंगे, थोड़ा कस्टमाइज करना पड़ेगा खुद को ठीक है, अगर आप चाहोगे तो हम कस्टमाइज करके आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आपका ब्रिज का बेनिफिशियल करवा के कर सकते हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी कंपेयर टू अदर्स। क्या एक्स्ट्रा, रेडी एक्स्ट्रा क्या करेंगे, बिल्डिंग तो आपको बनाना पड़ेगा जो रूल है रूल तो फॉलो करना है, उसके अलावा यस सर आपको ब्रिज के कुछ मॉडल्स तैयार करवा दूँ। ऑलरेडी मैं टेकला में करवाता हूँ, टेकला में हम लोग यस ओवरब्रिज सर बनाते हैं, फुट ब्रिज बनाते हैं ठीक है, तो आपके यूज में आने वाला है, बट थोड़े रैबिट में भी बनाने पड़ेंगे जो मैं नहीं बनवाता हूँ बेसिकली ठीक है, क्योंकि यस रैबिट सर में हमारे यस ज़्यादातर बिल्डिंग ही रहते हैं, ज़्यादातर के सारे बिल्डिंग रहते हैं। आपको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, बिल्डिंग के साथ ब्रिज बनाना पड़ेगा, अगर वो यस सर कर रेडी लोगे तो सर आपका काम हो जाएगा
यस सर, ओके सर, थैंक चलेगा, ओके सो थैंक्स। ओके जी, नाउ नेक्स्ट इज गाइस, किसी का क्वेश्चन रह जाए दिल पे मत लेना, मैं कोशिश यही करूंगा सबको हो जाए। सदा वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। यस सर, बोलो सदा। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मैं 2 इयर्स जो हूँ मतलब सिविल साइट इंजीनियर पे मैं जॉब कर चुका हूँ, और नाउ प्रेजेंट अभी जो मैं हूँ कि प्लानिंग इंजीनियर पे हूँ। बट सर मुझे क्या है कि थोड़ा सा मतलब G3 G4 का सर बिल्डिंग पे जो लोड वगैरह लगते हैं ना, तो वो सीखने का बहुत ज्यादा शौक है। और बाकी बिल्डिंग का मेरा है ना हर चीज सर वो क्लियर है, और मुझे कुछ है ना सॉफ्टवेयर भी सर आता है ई टैप्स वगैरह, लेकिन मतलब जो मैनुअल का जो कॉन्सेप्ट है सर वो क्लियर नहीं है। वो मतलब वो यूं होगा कि मैं डिजाइन कर लूंगा तो, लेकिन हाँ, मुझे वो खुद भी नहीं सही पता है होगा सही कि है, मैंने जो लोड लगा है कि वो सही है या गलत है। तो वो चीज है, तो मैंने आपका है ना कोर्स भी देखा है ना, 1000 वाला प्लस 6000 वाला, तो सर वो क्या बेहतर होगा मुझे बता दीजिए, क्योंकि वो मुझे दोनों बेहतर ज्यादा नहीं होंगे, मतलब वो दोनों सर बेहतर ये नहीं होंगे। कोर्स में मुझे जाना नहीं है। हाँ 1 मिनट सर, मुझे ये कोर्स में जाना नहीं है क्योंकि है ना मेरा खुद का कोर्स बहुत अच्छा है सर, है ना हाँ प्लानिंग इंजीनियर है ना बेस्ट। लेकिन G3 G4 मतलब खुद से वो कैलकुलेट और पूरा हाँ मतलब सर, कैलकुलेशन सर वो इतना सीखना है, तो तो बता दीजिए जो उसके भी लिए क्या बेहतर। करो ना, अपना एक यूनिक सिविल ऐप पर एक बहुत अच्छा कोर्स है इसके रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड ऑल इन वन। मैं तो बोलता हूँ उसको जी हर किसी को करना चाहिए, नॉट फॉर जॉब, जिस तुमने बोला ना नॉट फॉर जॉब, ठीक है। उसका मेन उद्देश्य क्या है, तो उसमें प्लानिंग भी है ऑटोकैड के अकॉर्डिंग, ठीक है, एनालिसिस भी है स्टेट पर, ईटीएफ पर, छोटी बिल्डिंग बड़ी बिल्डिंग दोनों, ठीक है। उसके बाद मैनुअल और एक्सेल भी है क्रॉस चेकिंग करने के लिए, ठीक है, रेविट भी है मॉडलिंग करने के लिए, रेविट स्ट्रक्चर भी है डिटेलिंग करने के लिए, इसीलिए इसका नाम है ऑल इन वन। बेसिकली वो स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए अच्छा है, तो अगर आपको स्ट्रक्चर का नॉलेज बढ़ाना है तो वो करो, जॉब करना है तो स्ट्रक्चर गुरुकुल में करो। रीज़न क्या बताता हूँ, देखो आलम क्या होता है, तुमने एक वर्ड बोला कि हमने डिज़ाइन किया वो सही है कि नहीं सही है, ठीक है, इसके लिए लगती है प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि आपने मॉडल बनाया, मॉडल को मैं चेक किया, एनालिसिस किया, लोड देखा, बिल्डिंग मोमेंट देखा, डिफ्लेक्शन देखा, सही आ रहा है क्या, तब जाके मैं आपको रिप्लाई कर पाऊंगा ना। तो उसके लिए आपको लगेगा एक तरीके से कस्टमाइज ट्रेनिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये किसी पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बस ऐसे बोल सकते हैं कि दोस्त जब आप डिज़ाइन करोगे, कोई पर्सन अच्छे से चेक करेगा तभी पता चलेगा, और चेक वो करें जो डिज़ाइन किया हुआ है, ये मैं बोलना चाह रहा था बेसिकली, ठीक है। तो चेक इन द सेंस सॉफ्टवेयर चलाने वाला नहीं, चेक इन द सेंस जिसकी बिल्डिंग ऑलरेडी बन चुकी हो, अगर ऐसा करना है तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। नॉलेज गेन करने के लिए ऑल इन वन सफिशियंट है, 200 घंटे का कंटेंट है, इतना भरपूर है कि आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा, सेस्मिक जोन, विंड, शेयर वॉल, डायनेमिक एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस, सब कुछ है उसके अंदर, ठीक है आलम, अच्छा तो ठीक एक है बार ऑल इन वन देख और सर सकते हो। वो, हाँ बताइए। हाँ सर वो मैंने आपका कोर्स देखा। और दूसरा एक सर है ना मतलब मैनुअल वाला जो है सर, वन हाँ थाउजेंथ वाले, तो उसमें नहीं उसमें समझ में आएगा, सर उसमें उसमें नहीं आपको आएगा ना। नहीं समझ में आएगा, रीजन क्या रहती है, वो तो लोगों ने डिमांड किया था, मुझे हमारी भी क्या है, वो लोगों ने डिमांड किया था, हमने बना दिया उसको। रीजन क्या होता है आलम, कि जब आपने सॉफ्टवेयर पर किया फिर उसको मैनुअली देखा तो कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। वो मैनुअली देखने से अच्छा अच्छा यूट्यूब पर 400 रुपये मैनुअल कैलकुलेशन की वीडियो देख लो, मेरे कोर्स से अच्छा होगा उनका, अच्छा अच्छा ठीक है, तो उसका वो कोर्स वाले है में सर जो 6000 वाला जो है, वो और बेटर है, उसमें वही चीज को है ना मतलब मैनुअल किया गया है। एलोबरेट किया गया पूरा डिटेल में। लेकिन सर मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि सर वो कम से कम मतलब 2 सीजन का मतलब सेशन उसमें सर वो ऐड करना चाहिए। आपने सिर्फ 1 सेशन का ऐड किया है, वो कम हाँ से कम लेटेस्ट वाला तो कर देते हैं सर, वो आप सर हाँ 2019 या 20 का है सर, तो 20 का है, अब ठीक है, लेटेस्ट पर, हाँ सर तो प्लान वो चल अब रहा है कम से कम लेटेस्ट के कर लिए। दीजिए एक हाँ लेटेस्ट वाला सर, कम से कम हाँ 1 और सेशन का सर वो ऐड कर दीजिए। या मुझे सर आप अगर है ना मतलब लेटेस्ट सेशन का दीजिएगा एक मतलब सिर्फ सीजन का दे दीजिए, क्योंकि ये हाँ होते हैं नहीं कि जब है ना कोई भी चीज चलता है तो सॉरी टू बहुत है इंटरप्ट प्रोग्रेस यू, होता है। मैं एक बार बीच बताता हूँ, चाहता यस हूँ उसे सदा, मैंने जब ऑल इन वन यस बनाया था तो मुझे ना बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया था, उसी समय मैंने एक लाइन बोला हुआ था कि जैसे कुछ भी अपडेट करूँगा, ठीक है, ऑल इन वन से रिलेटेड, मैं कभी भी उनसे एक भी पैसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करूँगा, उनको मैं सब कुछ वैसे के वैसे ही देने वाला हूँ। जैसे मैं आपको बताऊँ तो उसके अंदर पहले रैबिट नहीं था, ठीक है, बच्चों ने बोला था इसलिए मैंने उसके अंदर ऐड किया, और उसका कोई भी जो इन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा था उनको दिया था,
इवन अभी हम प्लान कर रहे हैं ऑटो कैड का नया वाला जो सेशन है वो रिकॉर्ड करने का प्लान कर रहे हैं, रिकॉर्ड करके डालेंगे उसके अंदर, उसका जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनसे कुछ भी पैसे नहीं ले जाएंगे, उनको ऑटोमेटिक वो दिए जाएंगे, ठीक है। और इज इवन इसके बाद हमने प्लान किया है, हमारा प्लान चल रहा है एक्चुअली आशदा, थोड़ा सा मेरा शेड्यूल जो बहुत हैटिक हो गया है इसलिए समय नहीं मिल पा रहा दोस्त, अदरवाइज हमने प्लान किया है इसके बाद स्टैट प्रो कनेक्ट वर्जन का, तो उसमें भी ये प्लान है कि जब भी आएगा उसको इसके जो हमारे और क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है तो मैं उनको नहीं छोड़ सकता, तो मैंने उनको अपडेट नहीं, करके बिल्कुल ऑफ कोर्स, ठीक है, तो मैं उनको पूरा अपडेट करके दूंगा। हाँ ये मेरा प्लान है, तो अभी थोड़ा सा इसके लिए समय लगेगा सदा, मैं ये बोल रहा हूँ कि 10 दिन में हो जाएगा गलत होगा दोस्त, ठीक है, इट मे टेक। और सर सर दूसरा एक ये था कि मेरा मतलब घर है उसका मुझे डिजाइन करवाना है और मतलब पूरा लोड एंड वो डिजाइन, तो सर वो आप सर वो हाँ कर रुकेंगे ना सकते हैं, मैं बिल्कुल, हंड्रेड इसके परसेंट रिलेटेड बात करूं? बिल्कुल कर सकते, लेकिन अभी मत करो, तो उसके लिए नंबर ले लो, मेरे कॉल कर लेना, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली हाँ ठीक है, एग्जैक्टली, क्योंकि अभी ठीक है लोग सर, कंफ्यूज जाएंगे, ठीक है, तो ओके चलेगा। रवि आपका ठीक है सर, क्वेश्चन ले ठीक लेते हैं, है सर, ओके तो ठीक, आपका नंबर कहाँ से मिलेगा ये सर? चैट बॉक्स में आ जा रहा है, बस ये चैट सर बॉक्स में, यही आपका नंबर? चैट बॉक्स में आ गया नंबर, देखिए मेरा नंबर आ गया चैट बॉक्स में, ठीक है चलेगा। रवि ओके अपना सर, क्वेश्चन, रवि अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, और रवि के बाद सुब्रता क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं क्या? रवि, यस रवि गुड बोलिए। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सर मेरे 7 ईयर का एक्सपीरियंस है। हाँ मैंने पहले स्टार्टिंग बिल्डिंग वर्क में किया, उसका फिर रोड में 3 ईयर किया है, फिर जस्ट वापस मैंने बिल्डिंग वर्क किया है जिसमें क्वालिटी सर्वेइंग का किया है, और हाँ अभी प्रेजेंटली मेरा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ थीसिस बचा है फाइनल ईयर में, तो मुझे स्ट्रक्चर में ही अब जाना चाहिए या फिर बीम मेरे लिए बेस्ट रहेगा? देखो, अगर आपके स्ट्रक्चर में मास्टर्स अभी किया, अभी मास्टर्स किया होगा राइट, जी तो मेरे अकॉर्डिंग इंटरेस्ट है क्या आपको स्ट्रक्चर में? सर, मुझे स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट तो है पर कॉन्फिडेंस नहीं है उसको डिजाइन के बाद कॉन्फिडेंस तो आपको मुझे। फिर सब सीखोगे तभी तो होगा ना, ठीक है, इंटरेस्ट तो कॉन्फिडेंस का तो दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत सिखा रहा हूँ, आपका मन ही नहीं कर रहा तो मतलब क्या निकला है ना, जी तो अगर आपका मास्टर्स इसमें हुआ है तो मेरा सजेशन रहेगा कि आपको स्ट्रक्चर में करियर बनाना चाहिए दोस्त, ठीक है, स्ट्रक्चर में ओके करियर आपके लिए आसानी होगी क्योंकि आपका मास्टर्स में यूज में आ जाएगा, और दूसरी चीज नो डाउट क्या बोलते हैं, आपके पास 7 ईयर का एक्सपीरियंस भी है, वो भी यूटिलाइज हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है, तो ओके मास्टर्स सर, करो बेटर, मतलब स्ट्रक्चर में करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, BIM में आपको क्या बोलते हैं फिर वो मास्टर्स का यूज खत्म हो जाएगा, ठीक है, से तो स्ट्रक्चर में भी जैसे ईटेब हो गया वो स्टैट अपना और ईटेब्स ईटेब सबसे मेन है, और स्टैट और ईटेब्स, उसके साथ में टेकला भी नेसेसरी रहेगा नहीं क्या? नहीं नहीं टेकला नहीं, टेकला का काम होता है, जैसे कुछ लोग नहीं पता बता दूं कि टेकला का काम होता है स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स करना, वो भी 3D के अंदर, और डिटेलिंग करना है कि स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम नहीं होता, स्ट्रक्चर इंजीनियर सिविल इंजीनियर का बहुत रेपुटेटेड वर्क है ना, तो उनका काम सिर्फ और सिर्फ डिजाइन करना है, डिजाइन करके दे देंगे, तो डिटेलिंग करने के लिए दूसरा एक स्ट्रक्चरल डॉक्यूमेंट होता है जो देख के डिटेलिंग करेगा, ठीक है, तो टेकला का रूल नहीं है इसके अंदर, आपको अलग से टेकला सीखने का शौक है तो एक अलग चीज हो सकती है, बट स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए स्टैट ईटैब और सेफ सफिशिएंट है। से इसमें मुझे डिटेलिंग में भी बहुत डाउट रहता है कि मैंने रेन्फोर्समेंट तो निकाल लिया, वो से कैसे ड्राफ्ट करना रहेगा, किसने ड्राफ्ट भी वो करी, तो तो से वही कैसे ऑटोकैड पे क्रॉस करना है, चेक? वही नहीं ऑटो नहीं तो से क्रॉस चेक कैसे रहेगा कि उसने सही करा है नहीं करा है? ये वो तो वही से सीखना है ना, आपकी ST कितनी आई है, सपोज बीम में आपकी ST आई है 600 mm स्क्वायर, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर ने दे दिया, अब एक बार का कितना एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट होता है, जैसे कि 12 mm की बात करें तो 12 mm का बार का लगभग एरिया ऑफ स्क्वायर लगभग 113 113 mm स्क्वायर के आसपास आता है, मैं मैनुअली बता रहा हूँ, गलत हो सकता है, ठीक है, अंदाजन 113 से 130 के बीच में आएगा, ठीक है, 113 mm स्क्वायर आपका एक बार का एरिया है, ठीक है, अब आपका कितना आ रहा है, 600 mm स्क्वायर आया है, 600 डिवाइड बाई 113 मोटा मोटा ले लेते हैं 6 बार के आसपास आ रहा है, राइट, ठीक है, अब ये 6 बार आपको देना है कितने एम के, 12 mm के देने, तो ये आपका मैनुअल कैलकुलेशन हो गया कि एरिया कितना आपको ST चाहिए, ST के बाद एक बार का कितना साइज चाहिए, मल्टीप्लाई किया और आपको मिल गया कितना, 12 mm के 6 बार। अब किसी ने दिमाग लगाया कि सर 12 mm के 6 बार की जगह पे क्या और कम स्टील लग सकता है क्या, तो 16 mm के 2 बार यूज कर लिया, 16 mm के एक बार का एरिया होता है 201 mm स्क्वायर, ठीक है, 16 का 2 मतलब कितना हो गया, 400 mm स्क्वायर कवर हो गया लगभग, ठीक है, प्लस 12 mm का एक है तो 12 mm का 2 हो गया तो कितना हो जाएगा, 200 mm स्क्वायर, तो आपने क्या किया, केवल 4 बार में काम कर दिया, दोनों ही डिजाइन सही है, अब इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी,
जो मैंने कैलकुलेट के साथ ऊपर से गया हो, क्योंकि अभी आप सामने नहीं दिख रहे, मेरे तो सामने दिख रहा है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली मुझे एक्स्ट्रा बार जो डालते हैं अपने, उसमें हाँ भी डाउट रहता है कि एक्स्ट्रा बार किस बेस पे मैं डालूं, वही एक्स्ट्रा कि बेस मेन का पहले तो एक्स्ट्रा बार कैलकुलेशन क्यों डालते हैं वो जानना चाहिए। तो एक्स्ट्रा बार जनरली डाला जहाँ जहाँ कहाँ डाला जाता है, कम जो आपका जैसे कि बीम है तो उसमें कॉम्प्रेशन जोन में ज़्यादातर डाला जाता है। ठीक है, अब कॉम्प्रेशन जोन में क्यों डाला जाता है, एक्स्ट्रा बार का काम होता है डिफ्लेक्शन को रिड्यूस करने के लिए किसी बीम के ऊपर। अभी ठीक है, लोग ऑफ द ट्रैक जा रहे हैं, कोई बोर मत होना, कोई भी सबके क्वेश्चन लेंगे, इस हैंड रेस करके रखो। तो जैसे कि आपकी कोई बीम है, बीम के ऊपर आपने कोई लोड डाला और डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उस डिफ्लेक्शन को कम करने का तरीका क्या है। जैसे कि मान लो ये पेन है, ठीक है, अब ये पेन पे, ये पेन ऐसे रखा हुआ है, इस पर आप डांस कर रहे हो, अभी पेन गिरती चली जा रही, मैं हालत मेरी ख़राब हो रही है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं अपने किसी हेल्प करने वाले बंदे से बोलूँगा तुम भी पकड़ो इसको। तो उसने क्या किया, उसने एक्स्ट्रा पकड़ लिया, अब तुम नाचो, डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। ये होता है एक्स्ट्रा वार का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी डिटेल में पढ़ने के लिए आपको स्ट्रक्चर गुरुकुल में आना, उसमें 4 महीने में यही सिखाता हूँ, और बहुत एकदम ऐसे एग्जाम्पल से जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। ठीक है, से इसके लिए तो टाइमिंग क्या रहेगा एक्चुअली, सेवन टू मुझे एट 8 बजे थर्टी बाद सेवन टू पता। एट थर्टी सफर सेवन टू मेरा ऑफिस टाइम ही है, 7 पे छुट्टी कितना ही दूर होती है है ऐसे, ऑफिस, कितने दूर है आपका ऑफिस? 8 किलोमीटर, अने 8 बजे मैं रूम पे पहुंच पाता हूँ रिटर्न। तब तो आपको दिक्कत होगा। ठीक है, आप देख लो जो क्या ऑफिस में थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं वक्त को। पॉसिबल नहीं है ना सर। हाँ ठीक है, फिर आपको मैं ये भी नहीं बोल सकता वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक स्ट्रक्चर की बस 4 महीने में एक बार बनाता हूँ बस। तो अब ये नेक्स्ट तो लेवल अभी में ऊपर मैं होगा, जो ऑल इन वन है कोर्स है ऑल उससे इन कर वन से ले सकता हूँ लो, क्या? ऑल इन वन से तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, ऑल इन वन ले ओके लो, अभी ऑल इन वन से काम करो। ठीक है, फ्यूचर में अगर कोई टाइमिंग मैच करे तो तुम कर लेना। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके जी। ओम गुप्ता जी, आप पूछना चाह रहे हैं? यस ओम, बोलिए। गैस किसी का क्वेश्चन रह नहीं जाएगा, मैं पूरा करके ही जाऊंगा चाहे जितना टाइम। यस ओम, बोलिए। हेलो नमस्ते जी। सर, नमस्ते जी। मैंने आपका वेबसाइट से ऑल इन वन कोर्स लिया हुआ है, मतलब अच्छा, थैंक यू। उसके बाद मैं एज ए स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर एक अमेरिकन कंपनी में काम भी कर रहा हूँ अरे वाह, ग्रेट, जी, नेपाल नेपाल में ही कर रहा हूँ। अरे वाह, लेकिन मुझे अभी जॉब स्विच करना है, लगभग हाँ अब इसमें 6-7 महीने करके अब जॉब स्विच करना है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, और इसके लिए मैं सोच रहा हूँ जैसे अब मैं सैप अभी के ऑफिस में ज्यादा सर मैं सैप में डिजाइन करता हूँ, SAP यूज कर रहे हो? सैप यूज करता हूँ स्टील और वुड का लिए, उधर एक अमेरिकन सॉफ्ट कंपनी हाँ सब सॉफ्टवेयर वो यूज करता हूँ, हाँ हाँ और अभी मैं जैसे कि वुड स्ट्रक्चर का डिजाइन करता हूँ फाउंडेशन का, और ये बैटरी स्टोरेज सिस्टम सब का डिजाइन कर रहा हूँ अभी, हाँ और रेवेट में एज अ बीम डिटेलिंग भी कर रहा हूँ उसमें। ग्रेट, लेकिन मैं अभी अभी जैसे जितना है मेरा पैकेज तो सोच रहा, जैसे मैंने 2014 में अपना बैचलर कंप्लीट किया था, उसके ओके, बाद लगभग 4-5 साल हाँ डिजाइन कंस्ट्रक्शन में एज ए कोऑर्डिनेटर काम किया, हम्म, उसके बाद मैंने 2020 से 22 तक SRM यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर कंप्लीट किया स्ट्रक्चर में, अभी उसके बाद मैं 2-3 साल से अभी एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने जैसे WSP में भी इंटरव्यू दिया था, मैं ऑनलाइन WSP कनाडा का उसमें इंटरव्यू दिया था, लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन तब ये अभी जो ऑफिस में काम कर रहा हूँ इसका भी ऑफर था, तो मैं इसमें ज्वाइन कर लिया, सोचा प्रैक्टिस भी होता रहेगा और बाहर का प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, इसीलिए इस ऑफिस में ज्वाइन किया हूँ। लेकिन अब मैं सोचा है, मेरा अभी लगभग इंडियन में 6 लाख का पैकेज है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अब जैसे वो WSP में मैंने इंटरव्यू दिया था, उसमें बोला था आपका अभी कम पैकेज है, इसमें आप जब ज्वाइन करेंगे तो इसमें 10-12 लाख का पैकेज होता है स्टार्टिंग, उतना हो जाएगा बोल के, तो मैं वो सब टारगेट कर रहा हूँ। तो लेकिन अब जैसे मेरा ऑफिस का टाइम होता है 2 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक होता है ऑफिस का टाइम, तो मैं आपका शाम का ये ट्रेनिंग सब तो नहीं मिल सकता है करने के लिए, तो मैं कितना कितना दिन से मैं फॉलो भी कर रहा था कि सुबह का कोई स्ट्रक्चर डिजाइन के कोर्सेज रहता है ना, ट्रेनिंग सब कब शुरू होगा उसमें ज्वाइन करके अब मेरा इंटरव्यू का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, ये सॉफ्टवेयर का भी ट्रेनिंग हो जाएगा, प्लस बेसिक का भी थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा बोल अच्छा तो के बहुत फॉलो अप कर रहता, रहा हूँ। लेकिन आपको दिक्कत जाएगी क्योंकि 2 बजे से अगर है तो
तो आप छूट रहे होंगे 9-10 बजे के आसपास या 11 बज जा रहा होगा। जी सर, 11 बजे ऑफिस खत्म होता है। मेरे अकॉर्डिंग नहीं सही है, और हम सुबह कोई हमारे बैच हो नहीं सकती। रीजन क्या है कि सुबह अभी हमने स्टार्ट किया है 7 बजे से, 7 से 8:30, और 8:30 से वो आगे के बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है ओम, मैं ना अपना नंबर, ये हमारे टीम का नंबर है, इसमें आप शेयर करके रखो। एक बैच हमने लॉन्च करने का सोच कह रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं, तो उनके यहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन की एक बैच लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन की। तो अगर पॉसिबल हुआ तो हम उसको आपको ऑफर करेंगे कि आप उसको कर लीजिए, बट अभी श्योर नहीं है कि मैं ऑफर कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी भी हालत ख़राब हो जाती है, एक लिमिट के बाद इंसान नहीं बैठ सकता है ना। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है, लेकिन काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, इसलिए मन कर रहा है कि उनको इंतज़ार न कराया जाए। तो उसके लिए अगर चलता है तो मैं आपको बता दूंगा, जिसमें सिर्फ स्ट्रक्चर की प्रिपरेशन होगी, वो भी उसमें सिर्फ सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन होगी, ठीक है। जी, वो तो रहेगा तो थोड़ा अच्छा बहुत रहेगा। अच्छा है वो। अब उसमें दिक्कत ये भी होती है ना कि वो क्या होता है कि जो नई चीज़ होती है ना, शायद ये है भी नहीं इंटरनेट पे, आप बोलो ऑफलाइन में भी कोई नहीं करा रहा होगा, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है। स्वाभाविक सी बात है, डेली एक सॉफ्टवेयर पर मैं आप करके आओगे, मैं उसको मैनुअल से क्रॉस चेक करके दिखाऊंगा, प्लस इंटरव्यू होगा, प्लस स्ट्रक्चर के जो SP34, SP34 ही अपने आप में कितना बड़ा है पूरा, उसको मैं उसका निचोड़ निकाल के आपको दूंगा। टाइम लगता है इसको करने में, संभव हुआ तो हम बहुत जल्दी करेंगे। आई रिस्पेक्ट फॉर यू कि आप ऑल इन वन किए, आपको बेनिफिट हुआ, आप जॉब भी कर रहे हो, बहुत अच्छी है। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं अभी कमिटमेंट नहीं करूँगा, ठीक है, ठीक क्योंकि है, कमिटमेंट का होगा मतलब होता है कि 100% करूँगा। जैसे कि मैंने अभी बोला ना, ऑल इन वन को हम अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कमिटमेंट है कि कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए। आई विल ट्राई, आपका थोड़ा सा अभी मैं टाइम कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपका 11 बजे तक रहता है, 11 बजे के बाद तो मेरी लास्ट मैच एक्चुअली है 12 बजे तक, ठीक है, और उसके जी। बाद मैं करूँगा 12 बजे के बाद, तो फिर मेरा भी लाइफ खराब हो जाएगा, और क्या बोलते हैं, जो करेगा उसकी भी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। मॉर्निंग का टाइम अच्छा रहता है सर, लेकिन मॉर्निंग का टाइम वो अच्छा रहता है, उसमें BIM का चल रहा है, स्ट्रक्चर का मैं देखता हूँ, अगर पॉसिबल रहा तो स्ट्रक्चर गुरुकुल एक लॉन्च करते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू प्रिपरेशन का, जो कि 1 मंथ का रहता है, लास्ट टाइम किया था मैंने बीम का, स्ट्रक्चर का भी ट्राई करता हूँ, ठीक है। ओके ठीक है, होगा सर, जी, थैंक यू। चलिए, ओके जी। मैं तेजस जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, यस तेजस बोलो, इसके बाद विष्णु आपका क्वेश्चन लेता हूँ। दोस्त तेजस बोलो, तेजस आवाज नहीं आ रही दोस्त तुम्हारी। सुब्रता आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सुब्रता डू यू हैव एनी क्वेश्चन? हेलो। हाँ सर, हेलो, हेलो। यस सुब्रता बोलो। अच्छा, मैं पूछ रहा था कि सर जो क्लास होगा तो हाँ, क्लास का कौन से प्लेटफॉर्म में हो क्लास होगा सर? क्लास जो होगा वो एक स्किल्स गुरुकुल करके प्लेटफॉर्म है, उस पर लाइव क्लास होगी, जो कि जूम से इंटीग्रेट रहता है, और जो क्या बोलते हैं वीडियो लेक्चर्स देखने अपने यूनिक सिविल ऐप से देखने हैं, ओके ठीक ओके, है। मतलब अपना कोई आईडी कुछ रहेगा तो उसमें? हम आपको जैसे आज गूगल मीट ले रहे हैं ना, ऐसे ही क्लास के हाँ दिन आपका एक इंट्रोडक्शन लेक्चर होता है, जिसमें आपको एक एक चीज बता देंगे कैसे क्या करना है, ठीक है, ओके ओके फिर उसके ओके, बाद वर्क, मतलब क्लास एक्चुअली उस दिन होती नहीं जिस दिन हम बोलते हैं, जैसे कि 10 बोले ना, तो 10 को क्लास नहीं है, 10 को जस्ट इंट्रोडक्शन है, ठीक है, क्लास ओके ही ओके, 11 को रहेगी, तो मैंने 10 को हम पहले गाइड कर देंगे आपको कि कैसे लेक्चर वॉच करना है, कैसे असाइनमेंट्स करना है, कैसे मेल करना है, और उसके बाद कैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है, कैसे मॉक देना है, सारा गाइडलाइंस 10 को बता देंगे, फिर 11 से क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, मैंने ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे, और एक क्वेश्चन था मेरा सर, पॉइंट क्लाउड के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बता उसके दूं, अंदर मैं पॉइंट बताने क्लाउड के वाला हूँ, अंदर क्या क्या सिखाएंगे आप सर, ठीक वो है, से एक बार पॉइंट क्लाउड के बताते। अंदर जितना आपको इंटरव्यू में लगेगा वो सब कुछ हम करा देंगे, कि लेजर स्कैनर क्या होता है, कैसे स्कैन करता है, पॉइंट क्लाउड की फाइल कहाँ जाती है, उसका फाइल फॉर्मेट क्या होता है, जो जो इंटरव्यू में पूछा जाएगा वो हम सब कवर करा देंगे। मतलब फाइल के प्रोसेसिंग बता देंगे ना, मतलब हाँ, किस तरीके काम पोजिशनिंग, किया उसको जाएगा रिकैप उसमें? में कैसे जाना है, रीपैक से कैसे उसको शेयर करना है, आप बिल्कुल उसको टेंशन मत लीजिए, जो इंटरव्यू पूछेंगे वो सब मुझे पता है, इसलिए मैं वो सब प्रिपेयर करा दूंगा, ठीक है, ओके ठीक है। चलेगा। हाँ, एक कंपनी से बात हुआ था, वो इस पॉइंट क्लाउड के बेस में काम करता है, वो तो बोला ओके था कि डोंट इससे अच्छे तरीके से सीखो और काम लगेगा। वरी, करा देंगे, जो जो उनको ओके मतलब जो कंपनी को लगता है, क्योंकि हम लोग दिन भर वही करते हैं तो पता है, तो हम और करा देंगे उसके, ठीक है, ओके ओके, ओके तो जी, ठीक है ठीक है। ओके जी। चलो विष्णु कुछ पूछना, विष्णु बहुत देर से कंफ्यूज हैं कि मैं बीम में जाऊं कि स्ट्रक्चर में जाऊं। विष्णु आप फ्रेशर हो के एक्सपीरियंस हो, थोड़ा सिनेरियो बताओगे तब अच्छा रहेगा, ऐसे आइडिया लगाना गलत होगा, और एज अ पर्सन मुझे भी बताना गलत होगा, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा बता पाए, अगर फ्रेशर है कि एक्सपीरियंस है तो फिर मैं बताऊं।
ठीक है, क्योंकि अपनी बेस्ट तो दोनों है, लेकिन आपके समझते हैं ठीक है। बीटेक थर्ड ईयर में हो, अच्छा थर्ड ईयर में हो तो अभी क्या कर सकते हो, अभी विष्णु आप स्ट्रक्चर की ट्रेनिंग ले सकते हो, अपना बेस स्ट्रांग कर सकते हो ठीक है। स्ट्रक्चर की ट्रेनिंग लेके अपना बेस स्ट्रांग कर लो इस साल, क्योंकि अभी आप थर्ड ईयर में हो। जॉब बी आई एम में करना, वो भी फाइनल ईयर में आने के बाद उसको सीखना ठीक है। क्या बोलते हैं, नहीं स्केचअप भी है भाई, स्केचअप है नदीम ठीक है, डोंट वरी, स्केचअप भी है, 3ds Max भी है ठीक है। देखो तो अभी क्या कर सकते हो विष्णु, क्योंकि अभी आप थर्ड ईयर में हो, बहुत समय है, आप अपना कोर स्ट्रांग करो। कोर मतलब होता है कॉलम, बीम, कॉलम के टाइप, बीम के टाइप, सपोर्ट के टाइप, रेनफोर्समेंट, कैसे एनालिसिस करेंगे, कैसे वॉल को लोड आएगा, यूडीएल क्या होता है, यूबीएल क्या होता है, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सेफ्टी, बीएमटी, ये सब आपको पहले अभी आपको करना चाहिए बीआईएम के अंदर, सॉरी स्ट्रक्चर के अंदर ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ईयर फाइनल ईयर आएगा ठीक है, अभी समय है, फाइनल ईयर के भी फाइनल सेमेस्टर में जरूरत है बीआईएम की, तो पहले इसको कर लो, स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कर लो, स्ट्रक्चर को एकदम बढ़िया से, क्योंकि इससे बेस मजबूत हो जाएगा ठीक है। अगर आप मेरे से पूछ रहे हो, मैं अगर आपके जगह होता तो मैं यही करता। उसके बाद बीआईएम में जब मेरा लास्ट सेमेस्टर आता, जो 8वां सेमेस्टर है, उस समय पर मैं बीआईएम स्टार्ट करता, और सेमेस्टर खत्म होते होते बढ़िया स्ट्रक्चर की बीम की पूरी तैयारी हो रही रहती, कट से इंटरव्यू देकर सिलेक्शन ले लेता। यही सबसे बेस्ट तरीका है। स्ट्रक्चर क्यों करना है ये भी जान लो, क्योंकि स्ट्रक्चर से कोर मजबूत हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि हड्डी के अंदर की चीजें अच्छे से जान रहे हो तो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहता है, कि फ्यूचर में आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरी बॉडी के बारे में तो मुझे पता है, आगे मुझे कैसे अपना बॉडी रखना है, मेंटेन करना, वो अलग चीज हो जाती है, और आप समझ पाते हो उसको ठीक है। तो विष्णु पहले आप स्ट्रक्चर में करके स्ट्रक्चर को मजबूत करो, नॉट फॉर जॉब, जस्ट फॉर नॉलेज ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे वो बता रहे थे उसी हिसाब से ठीक है। किसी का कोई प्रश्न रह गया क्या गाइस? अक्षय का रह गया क्वेश्चन, बहुत देर से परेशान थे अक्षय, बट आवाज ही नहीं आ रही थी अक्षय आपकी। अक्षय राठौर जी आपका हैंड रेज है, कुछ पूछना है क्या? कीर्ति आपको कुछ क्वेश्चन है ठीक है। अक्षय बोल रहे हैं कि 5 ईयर का गैप है ठीक है। नहीं, क्या बोलते हैं, एमईपी क्या बोलते हैं, नेसेसिटी टू लर्न एमईपी एंड आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना आर्किटेक्चर के बेस ही नहीं बनेगा ना, तो आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है तेजस, बट एमईपी का एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप इंपॉर्टेंट है बट आपके लिए उतना नहीं है, एज इंजीनियर आप चाहे तो उसको स्किप कर सकते हो ठीक है। 5 ईयर का गैप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 ईयर का गैप का आपको मैनेज करने का तरीका आना चाहिए। अच्छा गैप क्यों था? अगर गैप प्रिपरेशन की वजह से है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग इंडिया में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गैप तो हो ही रहा है, तो उस गैप को नॉलेज से फुलफिल करें। आपको ये बताना है कि लास्ट 6 मंथ से मैं समझ गया था एग्जाम की प्रिपरेशन होगा, लास्ट 6 मंथ से मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, यही इंटर्नशिप आपका एक्सपीरियंस की तरह कैलकुलेट होगा और आपका हेल्प करेगा। ये लास्ट 6 मंथ से मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, इंटर्नशिप से हमारा करियर गैप मेंटेन हो सकता है, और नो डाउट फर्स्ट सैलरी आपकी थोड़ी सी लेस होगी अक्षय, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद तो ऑलरेडी आप जब लगे ट्रैक पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फेक एक्सपीरियंस आपको अवॉइड करना चाहिए अक्षय ठीक है, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी चेकिंग होती है तो आप उसमें फंस सकते हैं, और छोटे मोटे फॉर्म में आपको दिखाना है तो दिखा सकते हैं, अगर आपका कुछ नॉलेज है उसकी फील्ड से रिलेटेड तो ठीक है। और एज अ पर्सन मैं बोलूंगा नहीं, आपको जेन्युइन रूप का काम करना चाहिए ठीक है। चलो जी, होप सो आप सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इतना समय दिया अपना, और होप सो कुछ ना कुछ नया सीखा ही होगा अपने इस 1 घंटे के टाइम में ठीक है। स्ट्रक्चर और आरसीसी स्ट्रक्चर स्टेशन में कौन सा बेटर है ठीक है? देखो अगर दोनों ही, पहली बात तो बेटर है नो डाउट। अच्छा इन्होंने आरसीसी स्टेशन में क्या बेटर है इन बीम करियर? बीम के लिए तो अभी अभी जो इंडस्ट्री चल रही है तो आरसीसी की चल रही है गाइस, आरसीसी की तेजी ज़्यादा चल रही है। फ्यूचर में स्टील भी अपग्रेड करेगा, अभी स्टील उतना अपग्रेड नहीं हुआ है ठीक है। आई वॉन्ट टू डू जॉब इन लोकेशन, ठीक है सुब्रता आप जॉब कर सकते हैं ना, अभी आपके यहाँ पर तो पिनेकल जैसी बड़ी कंपनी है, कोई टेंशन ही नहीं है, और भी बहुत ढेर सारी कंपनियाँ हैं वेस्ट बंगाल में, तो आप कर सकते हैं। उत्कर्ष कुलकर्णी जी कोई क्वेश्चन तो नहीं है ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन तो रहा नहीं किसी का इस? चलिए उम्मीद करता हूँ मैंने आप लोग के क्वेश्चंस को फिक्स कर दिए होंगे, मतलब सॉल्व करने का प्रयास किया होगा गाइस। और ठीक है, अगर आपके कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो ये आप गैस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, आराम से आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सिलेबस भेज दूंगा, क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप स्ट्रक्चर में या फिर बीआईएम में, ऑल इन वन लेना चाहें या गुरुकुल बैच, अगर समय है तो गुरुकुल ज्वाइन करो विष्णु, समय नहीं है तो फिर ऑल इन वन से काम चला सकते हो ठीक है। समय है तो गुरुकुल करोगे तो पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, और समय नहीं है तो ऑल इन वन इज सफिशियंट ठीक है।
चलो सी यू गाइस, होप सो इन बैच इन 20 सॉरी 20 जुलाई इज फॉर द स्ट्रक्चर्स एंड 10 जुलाई फॉर द बीआईएम। एंड ये मैं कमिटमेंट आपको जाते जाते कह दूंगा कि अगर आपने 4 महीना सही से डेडिकेशन से काम किया तो सक्सेस आपकी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका मैं क्रेडिट नहीं लूंगा, क्रेडिट आपकी कंसिस्टेंसी लेगी, क्योंकि मैं आपसे इतना मेहनत करा दूंगा कि बचेगा ही नहीं कुछ, तो कोई कंपनी कैसे अवॉइड करेगी आपको। ठीक है, चलिए गाइस, होप सो विल विल मीट यू सून।